यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। चलो नाउ ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे TDS, और TDS में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन अपन ने पढ़ी ब्रेक के पहले, दैट वाज सेक्शन 194C वाला, दैट इज TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात समझना, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको याद रखना है। जो मैंने आपको सर्कुलर वाले दो तीन पार्ट बताए थे, वो सर्कुलर वाले पार्ट, एक तो वो प्रोडक्शन ऑफ लाइक तुम्हारा प्रोग्राम्स वाला है, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट सर्विस वाला है कि भाई एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिया और एजेंसी ने आगे दिया, वो सब चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और अच्छे से आपको वो चीज़ें है वो अच्छे से माइंड में रख के आपको एग्जाम के लिए जाना है, वो एग्जाम में आ सकता है। आज ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे, आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको घर पे जाके आज देख के आना है। चलो नाउ नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द, एंड नेक्स्ट सेक्शन इज 194D। देखो 194C, सी का मतलब क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। डी का कैसे याद रखोगे? डी का मतलब ये जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना, इंश्योरेंस एजेंट, इसको हम लोग दलाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलाल। लोकल लैंग्वेज में अपन दलाल बोलते हैं इनको, एजेंट करके, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन मिलेगा उस पर सेक्शन 194D में TDS कटता है। तो 194D इज फॉर दलाल, यू कैन से दैट, दैट इज द इंश्योरेंस एजेंट। अब एक बात समझना, इनको जो इंश्योरेंस कमीशन मिलेगा वो इंश्योरेंस कमीशन पे TDS 194D में कटेगा। सबसे पहले सर पेयर कौन? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है किसको? इंश्योरेंस एजेंट को। बट इंश्योरेंस एजेंट है वो रेजिडेंट होना चाहिए। अगर रेजिडेंट इंश्योरेंस एजेंट है तो बेटा पेयर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, मतलब यू कैन से दैट इंश्योरेंस कंपनी किसको पे कर रही है? किसी रेजिडेंट पर्सन को। रेजिडेंट पर्सन का मतलब इंश्योरेंस एजेंट रेजिडेंट होना चाहिए। यहां TDS का रेट रहेगा, दैट रेट इज 5%। 5% की रेट से आपको TDS है वो काटना पड़ेगा। एंड उसके बाद में एक बात समझना, यहां TDS नहीं कटेगा अगर कमीशन पूरे साल का मिला के 15,000 से ज्यादा नहीं है। इफ अप टू 15,000 तक कमीशन है तो TDS नहीं कटेगा। 15,000 से ज्यादा कमीशन है तो TDS कटेगा। तो अप टू 15,000 है, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट TDS। 15,000 से ज्यादा है तो यहां पे TDS काटना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो एक काम करो, फटाफट देख लो आप बुक से कुछ सेक्शन छोटी छोटी है जो आपको फटाफट देखनी पड़ेगी। तो देख लो बेटा 194D। डन पीप। चलो नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू 194DA। 194DA इज रिलेटेड टू द मैच्योरिटी प्रोसीडिंग ऑफ द LIP, जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। एक बात बताओ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, अब आपने एक चीज सीखी होगी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी तो एग्जेम्प्ट होता है 1010D में। और सब जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होता है तो TDS की जरूरत क्या है? जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी जब एग्जेम्प्ट होता है तो TDS काटने की जरूरत क्या है? लेकिन आपको पता है, आपने एक चीज पढ़ी होगी जब आपने डिडक्शन टॉपिक में, आपको पता रहेगा डिडक्शन में एक चीज होती है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम रहता है वो प्रीमियम किसी प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको पता है, ऐसा याद रहेगा, अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले ले रखी है तो जो भी तुम्हारा प्रीमियम है और पॉलिसी वैल्यू का 20% विच एवर इज लोअर है उतना डिडक्शन मिलता था, याद है ATC में। उसके बाद में अगर पॉलिसी 1/4/2012 के बाद में लिए तो 10% वाला लिमिट लगता था, और अगर हैंडीकैप्ट के लिए लिए तो वहां पे 15% वाला जो लिमिट लगता था। तो एक बात समझा दो, जो लिमिट्स वगैरह वहां पे जो चीजें थी करके, ठीक है, अगर मान लो वो लिमिट से ज्यादा आपने प्रीमियम पे किया है, ए प्रीमियम इज मोर देन दैट लिमिट, वो लिमिट से ज्यादा अगर आपने प्रीमियम पे किया है, दैट प्रीमियम इज मोर देन दैट लिमिट, वो लिमिट से ज्यादा अगर प्रीमियम पे किया है तो आपको बता दूं उसका मैच्योरिटी अमाउंट है, वो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है। जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जब मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होता है अगर वो लिमिट से ज्यादा आपने प्रीमियम पे किया है तो। अब एक बात समझना, TDS तभी लगेगा जब मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है। देखो नॉर्मली मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर वो प्रीमियम लिमिट से ज्यादा है तो मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है करके, ठीक है। एज वेल एज द आपने सुना होगा जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होता है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का भी मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होता है, जैसे वी ऑलरेडी डिस्कस दैट पार्ट अलॉन्ग विद द बिजनेस एंड ऑल।
तो एक बात समझना, जब भैया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है तो वहां पे टीडीएस कटेगा। तो इसको आप कैसे याद रखोगे 194 डीए को, डीए को ऐसे याद रखोगे ना, डेथ आफ्टर मैच्योरिटी अमाउंट। चलो इट्स नॉट ऑलवेज कि भाई डेथ आफ्टर ही मिलता है करके, ठीक है, पहले भी मैच्योरिटी होती है। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखते हो 194 डीए इज डेथ आफ्टर दैट इज मैच्योरिटी ऑफ एलआईसी करके, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो था आपने पे किया था उसका पॉलिसी का अगर मैच्योरिटी होता है तो उस केस में अगर मैच्योरिटी अमाउंट है वो अगर टैक्सेबल है तो यहाँ टीडीएस कटेगा। यहां पेयर में कौन आएगा, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पे कर रहा है, किसको, रेजिडेंट पर्सन को। और यहां पे टीडीएस की रेट है वो 1% रहेगी, जो टीडीएस की रेट है वो टीडीएस की रेट आपकी 1% रहेगी। क्या, कितनी रहेगी, 1%, 1% टीडीएस की रेट रहेगी। और इसमें एक और चीज समझना, आपको टीडीएस तभी काटना है जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है वो 1,00,000 रुपए से ज्यादा है, मतलब अप टू 1,00,000 है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। जैसे मैच्योरिटी अमाउंट 70,000 है, क्या टीडीएस कटेगा, नहीं। अगर 80,000 है कटेगा, नहीं। लेकिन 2,00,000 है टीडीएस कटेगा, आंसर इज यस। कौन सी रेट से कटेगा, 1%, कौन सी रेट से कटेगा, 1%। चलो देख लो एक बार, सब लोग देख लो एक बार, 194 डीए, डन पीपल। चलो नेक्स्ट सेक्शन इज 194 ई को कैसे याद रखोगे, एक बात बताओ। सब लोग आप आईपीएल देखते होंगे, आईपीएल, वीवो प्रेजेंट आईपीएल, पहले पेप्सी प्रेजेंट आईपीएल, उससे पहले डीएलएफ प्रेजेंट आईपीएल। तो आईपीएल जो है वो आईपीएल आप देखते होंगे, तो आईपीएल में पता है जब इनिंग ब्रेक होता है तो वहां पे उसका नाम क्या होता है, एक पता है, एक्स्ट्रा इनिंग करके, आपको याद है एक्स्ट्रा इनिंग आता है। तो इसको आपको ई को ऐसा एक्स्ट्रा इनिंग नाम से याद रखोगे। और ई किस लिए होता है, बेसिकली ई सेक्शन में क्या होता है कि जब आप किसी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को, जब किसी भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को या तुम्हारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन को या एंटरटेनर को अगर आप पेमेंट करते हो नॉन रेजिडेंट को, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन पेमेंट इज मेड टू नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट में किसको, अगर आप पेमेंट करते हो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को, पता है इंडिया में जो क्रिकेटर खेलने आते हैं उनको अपन पेमेंट करते हैं, जो भी इंडिया में क्रिकेटर वगैरह खेलने आते हैं, आईपीएल खेलने आते हैं, उनको अपन पेमेंट करते हैं, तो उनका जो टीडीएस है वो टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटेगा, 194 ई में कटेगा। कौन सी सेक्शन में कटेगा, 194 ई। तो देखो 194 ई मतलब एक्स्ट्रा इनिंग से याद रखोगे। और एक्स्ट्रा इनिंग से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक तो आप नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट करते हो, स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट करते हो या किसी एंटरटेनर को पेमेंट करते हो, तो 194 ई में टीडीएस कटेगा। अब एक बात समझना, इसमें पेयर कौन होना चाहिए, कोई भी पर्सन पेमेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, किसी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को या एंटरटेनर को। स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब जो भी क्रिकेटर खेलने आते हैं, यहां पे जैसे ब्रेटली वगैरह बॉल करने आते हैं, आईपीएल में खेलने आते हैं, उनको स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट किया, आपका टीडीएस यहां कटेगा। स्पोर्ट्स एसोसिएशन मतलब जो इंडिया के बाहर की जो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसे आईसीसी है या वेस्ट इंडीज क्रिकेट क्लब वगैरह, उसको कुछ भी पेमेंट किया, 194 ई में टीडीएस कटेगा। या फिर एंटरटेनर, एंटरटेनर वो लड़की आती है ना वो नाचने वाली, वो क्या बोलते हैं उसको अपन, चेयर लीडर्स करके, ठीक है, तो वो चेयर लीडर्स को अगर आप पेमेंट करोगे तो वहां पे भी टीडीएस 194 ई में कटेगा, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एंटरटेनर। तो कोई भी अगर एंटरटेनर है उसको अगर आप पेमेंट करते हो टीडीएस 194 ई में कटेगा। अब एक चीज समझना, आप उनको पेमेंट किस चीज का कर रहे हो, तो स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, या तो इंडिया में वो क्रिकेट वगैरह खेलने आता है, कोई भी पार्टिसिपेट करने आता है इंडिया में किसी गेम में, किसी इंडिया में किसी गेम में पार्टिसिपेट करने आता है, उसके लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो 194 ई में टीडीएस कटेगा। या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करते हो, बताए वो इंडिया में आते हैं तो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, जैसे वो एक आता था ना ऊला ला ला ले ओ, दैट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, किंग फिशर का एडवर्टाइजमेंट था करके, ठीक है, आई थिंक ऊला ला ला ले ओ, ठीक है, जो भी है। अब एक बात समझना, जब किंग फिशर का एडवर्टाइजमेंट था ऊला ला ला ले ओ, दैट इज एडवर्टाइजमेंट के लिए वो नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट किया, तो उसका भी टीडीएस 194 ई में कटेगा। और स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट किया, या फिर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को आपने पेमेंट किया किसी भी आर्टिकल्स वगैरह मैगजीन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो मैगजीन में वगैरह आर्टिकल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आपने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम आता है कि स्टीव वॉन ने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, तो वो सब उनके आर्टिकल वगैरह पब्लिश होते हैं, उनके लिए दे गॉट द पेमेंट फॉर दैट, तो उनको वो पेमेंट मिलेगा 194 ए में टीडीएस कटेगा। और अगर कोई एंटरटेनर है, उसने एंटरटेनर है, उसने इंडिया में कहीं भी परफॉर्म करने के लिए आया और उसके लिए उसको पेमेंट मिला, तो भी टीडीएस 194 ई में कटेगा।
जैसे वो वक्का वक्का करने के लिए इंडिया में आई, वक्का वक्का दिस टाइम इन मुंबई, वैसा वाला कर गया, ठीक है। तो उसके लिए अगर उसको पेमेंट किया आपने तो वो भी 194E में आएगा। या फिर मान लो फॉरेन का आतिफ असलम है, आतिफ असलम इज आई थिंक बिलोंग्स टू पाकिस्तान, वो नॉन रेजिडेंट है, वो इंडिया में कहीं पे कोई कॉन्सर्ट वगैरह के लिए आता है, एंटरटेनर है करके, ठीक है, परफॉर्मर है, तो उसको पेमेंट 194E में करेंगे, ठीक है। अब एक बात समझता, उसका टीडीएस है 194E में काटेंगे, टीडीएस की रेट यहां पे रहेगी 20%, 20% की रेट से टीडीएस काटना है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे टीडीएस काटते टाइम आपको एजुकेशन सेस सरचार्ज का ध्यान रखना है। देखो सरचार्ज तभी लगेगा जब आप पेमेंट कर रहे हो वो 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन सेस हर केस में लगेगा, तो आपको 20.06% या 6% हो जाएगा, क्योंकि 20 में अगर आप 3% जोड़ोगे तो 20+3% इट्स कम्स टू 20.6 है, वो ऑलवेज होगा। और सरचार्ज भी लगेगा अगर 1 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट है या इंडिविजुअल वगैरह है और वहां 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट है, तो आपको सरचार्ज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो फटाफट 194E देख लो, फटाफट 194E देख लो। Yes, done people. हो गया तुम लोगों का? चलो 194E को याद रखोगे आप एक्स्ट्रा इनिंग से, एक्स्ट्रा इनिंग का मतलब होता है आईपीएल वाला याद रखोगे करके, ठीक है, तो आपको चीजें याद रह जाएगी। नेक्स्ट पार्ट इज 194E के बाद 194G। 194G, जी में थोड़ा रेस्पेक्ट देंगे तो 194G। अब एक बात समझना, 194G जी को याद रखोगे आप गैम्बलिंग से। एक बात बताओ, आपको गैम्बलिंग कौन सिखाता है? आपको गैम्बलिंग सिखाते हैं ये जो लॉटरी एजेंट होते हैं ना, लॉटरी एजेंट, ये आपको गैम्बलिंग सिखाते हैं। बोला आओ गैम्बलिंग करो, गैम्बलिंग करो, लॉटरी एजेंट, लॉटरी लगाओ करके, ठीक है। तो ये लॉटरी एजेंट है, ये गैम्बलिंग सिखाते हैं, तो लॉटरी एजेंट को जो कमीशन मिलता है उस पर टीडीएस 194E में कटेगा। सो वॉट एवर 194G में कटेगा, वॉट एवर कमीशन पेड टू द लॉटरी एजेंट, लॉटरी एजेंट को जो अपन लॉटरी एजेंट को जो टिकट सेल करते हैं उसके लिए उनको जो कमीशन मिलता है उस पर टीडीएस 194G में कटेगा। अब एक बात समझना, इसमें पेयर आपका एनी पर्सन, इसमें पेई भी एनी पर्सन है, पेई भी एनी पर्सन। और बेटा यहां पे टीडीएस का जो रेट रहेगा, देखो कमीशन की बात हो रही है यहां, टीडीएस का रेट आपका 5% रहेगा। और बेटा टीडीएस आपको तभी काटना है जब बेटा यहां पे 15,000 रुपए से ज्यादा का कमीशन है, पूरे साल का 15,000 रुपए से ज्यादा का कमीशन है तो ही आपको टीडीएस काटना है। एक बात बताओ, ऊपर एक और कमीशन पड़ा था वो दलाल वाले में, दैट इज इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन, वहां पे भी यही था, 5% का रेट था और 15,000 का लिमिट था। सेम जी में, जी मतलब गैम्बलिंग वाला, तो गैम्बलिंग वाले के लिए भी सेम ही लिमिट है करके, ठीक है, 5% का रेट है और 15,000 का लिमिट है, 15 से ज्यादा का है पेमेंट तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू 194H। देखो एच भी कमीशन पे आएगा, एच इज रिलेटेड टू द कमीशन एंड ब्रोकरेज, जो कमीशन एंड ब्रोकरेज है अदर देन इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन एंड लॉटरी एजेंट का कमीशन। इंश्योरेंस एजेंट और लॉटरी एजेंट के कमीशन को छोड़ के बाकी जो भी तुम्हारा कमीशन ब्रोकरेज है उस पर टीडीएस 194H में जाएगा। अब एक चीज समझना, 194H में जो टीडीएस जाएगा, अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि सर पेयर कौन होगा इसमें, पेयर कौन होगा, मतलब कौन कमीशन दे रहा है तो टीडीएस काटना। पहले तो मैं बोलूंगा एनी पर्सन, लेकिन एक बात बताओ, मेरी वाइफ ने हमारे लिए घर भाड़े पे लिया है उसके रहने के लिए, अब एक बात बताओ, वाइफ ने घर भाड़े पे लिया एक ब्रोकर के थ्रू, इज इट पॉसिबल फॉर माय वाइफ टू डिडक्ट टीडीएस? आंसर इज ना बाबा ना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर माय वाइफ टू डिडक्ट टीडीएस। मेरी वाइफ के लिए पॉसिबल नहीं है टीडीएस डिडक्ट करना, मेरी वाइफ के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि यहां पर वाइफ टीडीएस डिडक्ट करे। तो इसके लिए अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हुज अकाउंट्स वर नॉट ऑडिटेड इन लास्ट प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर में उनकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद एक और चीज समझना सर, किसको पेमेंट कर रहे हैं कमीशन ब्रोकरेज का, तो टीडीएस काटना पड़ेगा किसी भी रेजिडेंट पर्सन को। यहां पे भी तुम्हारा जो रेट रहेगा वो रेट 5% ही है एंड लिमिट है वो 15,000 ही है। 15,000 से ज्यादा कमीशन है तो ही टीडीएस काटना है, 15,000 से ज्यादा कमीशन ब्रोकरेज है तो टीडीएस काटना है, 15,000 तक कमीशन ब्रोकरेज है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। उसमें एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कमीशन है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कमीशन मतलब जैसे तुम्हारा ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इशू है या ब्रोकरेज ऑन स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, अंडरराइटर का कमीशन है, लॉ में स्पेसिफिकली मना किया है सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। जो सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वहां पे आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक बात समझना, यहां पे कमीशन से रिलेटेड बहुत सारे केस लॉ है, वो मैं केस लॉ के साथ में डिस्कस करूंगा, तो जो लास्ट में आपको केस लॉ का लेक्चर दिया जाएगा उसमें वो पार्ट है वो आ जाएगा करके, ठीक है। तो आप मैं एक बात बोलूं, कमीशन वाली तीन सेक्शन, पहला इंश्योरेंस एजेंट का, दूसरा लॉटरी एजेंट का, तीसरा अदर कमीशन एंड ब्रोकर, तीनों के केस में रेट क्या है 5% और तीनों के केस में लिमिट क्या है तुम्हारा, लिमिट तुम्हारा 15,000 का है। कैसे याद रखोगे, सबसे पहला कमीशन आपका वो वाला इंश्योरेंस एजेंट 194D दलाल, इंश्योरेंस दलाल करके, ठीक है। उसके बाद जी मतलब गैम्बलिंग को सिखाता है लॉटरी एजेंट, और एच का मतलब ऐसे याद रखोगे कि अगर आप हाउस खरीदने वगैरह गए तो आपको पता है ब्रोकरेज वगैरह लगता है, तो वो ब्रोकरेज वगैरह पे आपको टीडीएस है वो 194H में काटना पड़ेगा। चलो एक काम करो, सब लोग एक बार 194H तक देख लो, एच तक देखो फटाफट। डन पीपल, चलो एक चीज समझना, जो लॉटरी एजेंट होते हैं उनको जो कमीशन मिलता है उस पर टीडीएस कौन सी रेट से कटता है 5%। लॉटरी एजेंट को जो कमीशन मिलता है उस पर टीडीएस 5% से कटता है। एक केस लॉ है दैट इज रिलेटेड टू मंजू एंड कंपनी 2011 का केस लॉ है, दैट इज मंजू एंड कंपनी करके, और मंजू एंड कंपनी करके कर्नाटका हाईकोर्ट का केस, सॉरी केरला हाईकोर्ट का केस लॉ, नॉट कर्नाटका, केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है। उस जजमेंट में क्या हुआ, ये मंजू एंड कंपनी है ये बेसिकली लॉटरी टिकट बेचते थे। अब एक बात समझना, ये लोग लॉटरी टिकट बेचते थे, तो लॉटरी टिकट जब ये बेचने का काम करते थे तो इनके लिए लॉटरी टिकट क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। अब एक बात समझना, कभी कभी आपको पता है अनसोल्ड टिकट होते हैं, इनके पास कुछ टिकट है जो अनसोल्ड थे, और वो अनसोल्ड टिकट पे क्या हुआ कि अनसोल्ड टिकट पे प्राइस खुल गया 1 करोड़ का। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके लिए जो लॉटरी टिकट थे दैट वॉज अ स्टॉक इन ट्रेड, और इनके अनसोल्ड टिकट पे एक प्राइस खुल गया, विनिंग खुल गया, और उस पे बेसिकली 1 करोड़ का विनिंग खुला। क्वेश्चन ये आता है क्या ये जो विनिंग है ये नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा या 30% से टैक्सेबल होगा, मतलब टीडीएस है वो टीडीएस कैसे काटेंगे फिर। तो यहां पे कोर्ट का जजमेंट आया, कोर्ट का जजमेंट बोलता है भले वो इनकम तुम्हारे बिजनेस हेड में जाएगी, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड पे आपको विन प्राइस खुला है तो इट मे बी टैक्सेबल एज द बिजनेस इनकम, ये बिजनेस इनकम में जाएगी, लेकिन यहां पे नॉर्मल टैक्स रेट नहीं लगेगा। टैक्स रेट है वो टैक्स रेट आपका 30% है, वो 30% ही लगेगा, एंड इस पे टीडीएस भी 194B में ही कटेगा। जो विनिंग वाला है, बी वाली जो सेक्शन थी 194B, दैट इज बड़े लोग जो लॉटरी वॉटरी में पैसा लगाते थे, तो 194B में इसका टीडीएस कटेगा और ये टैक्सेबल आपके 30% से होगी, ना कि नॉर्मल टैक्स रेट से। नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल नहीं होगा, इट विल बी टैक्सेबल एट 30%। चलो डन पीपल, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन, एंड नेक्स्ट सेक्शन इज 194H के बाद 194I। देखना बेटा, नेक्स्ट सेक्शन अपन पढ़ने वाले हैं 194I। आई इज रिलेटेड टू आई, देखो आई किसको बोलते हैं पता है, आई अपनी मम्मी को बोलते हैं हम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ऐसे आई बोलते हैं, आई मतलब माँ, मम्मी करके, ठीक है। अपन लोग मम्मी को बोलते हैं वो आई बोलते हैं, यहाँ पे आई बोलते हैं महाराष्ट्र में, आप देखोगे मराठी में, तो मराठी में मम्मी को हम आई बोलते हैं, आई तुझा आशीर्वाद, जैसे ट्रक वगैरह के पीछे लिखा होता है महाराष्ट्र में आई तुझा आशीर्वाद, जैसे आपके पता है
राजस्थान में वगैरह आप ट्रक देखोगे, उधर नॉर्थ में तो आपके ऊपर लिखा होता है माँ तेरी मेहरबानियां, वैसा। तो यहाँ पे आई का मतलब होता है मम्मी। एक बात बताओ, इसको याद कैसे रखोगे? आई का मतलब आपको तो याद ही है, रेंट पे टीडीएस होता है, बट ऐसे ही मैं याद करने के लिए ऐसे बोलता हूँ जिससे आपको चीजें वापस कनेक्ट हो जाए। अब एक बात समझना, आई मतलब आज आप सब बड़े बड़े लोग हो गए हो, आपकी एज हो गई 20 21 22 साल करके, ठीक है, किसी की 23 साल एज हो गई, 24 साल एज हो गई, लेकिन आज भी आप कमा नहीं रहे हो। पता है मम्मी आपको घर में रहने को दे रही है, मम्मी को भगा देना चाहिए आप लोगों को, मम्मी आपको भगा देगी करके, ठीक है, बट तो भी आपको रहने को देती है। तो लॉजिकली बताओ तो मम्मी को आपको रेंट देना चाहिए, क्या देना चाहिए? रेंट। तो रेंट से याद रखोगे मम्मी को रेंट देना है तो आई, आई मतलब रेंट। अब एक बात समझना, टीडीएस ऑन रेंट, जो टीडीएस रेंट पे है वो 194 आई में आएगा। अब एक बात समझना सर, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि कौन पर्सन टीडीएस काटेगा यहां पे, तो मैं बता दूं यहां पे पेयर में बेटा वही एनी पर्सन। लेकिन एक बात बताओ, क्या मेरी वाइफ के लिए इट इज पॉसिबल टू डिडक्ट द टीडीएस? मेरी वाइफ भी तो घर का भाड़ा देती है, हमारा जो घर का भाड़ा है वो वाइफ देती है, इज इट, हम रहते हैं घर का भाड़ा, इज इट पॉसिबल फॉर माय वाइफ टू डिडक्ट द टीडीएस? आंसर इज नो। तो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हुज अकाउंट्स वर नॉट ऑडिटेड इन लास्ट प्रीवियस ईयर। अब एक बात समझना, रेंट किसको दे रहे हो? तो मैं बता दूं पेई इसमें कौन होना चाहिए, पेई एनी रेजिडेंट पर्सन, मतलब कोई भी रेजिडेंट पर्सन है, वो कोई भी रेजिडेंट पर्सन को अगर आपने रेंट दिया, एनी रेजिडेंट पर्सन, किसी भी रेजिडेंट पर्सन को आपने अगर रेंट दिया तो इसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। तो पेयर में यहां पे क्या है, एनी पर्सन, और आप किसी रेजिडेंट पर्सन को रेंट देते हो तो उसमें टीडीएस काटना पड़ेगा। सर यहां पे टीडीएस का रेट क्या रहेगा रेंट में? तो देखो रेंट में टीडीएस का रेट इज सो सिंपल, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है तो उस पर टीडीएस का रेट 2% से है, और अगर मान लो फर्नीचर है या फिर लैंड है या फिर बिल्डिंग है, फर्नीचर लैंड बिल्डिंग है तो यहां पे टीडीएस का रेट आपका रहेगा 10%। तो मैंने क्या बोला, देखो बेटा प्लांट एंड मशीनरी है तो टीडीएस का रेट रहेगा तुम्हारे 2%, और फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग है तो वहां पे टीडीएस का रेट रहेगा आपके 10%। प्लांट एंड मशीनरी है तो टीडीएस का रेट इज 2%, बट अगर फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग है तो यहां पे टीडीएस का रेट रहेगा 10%। अब एक बात समझना, रेंट के केस में टीडीएस तभी काटना है, रेंट के केस में टीडीएस तभी काटना है जब बेटा पूरे साल का मिला के जो रेंट है ना वो रेंट 1,80,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है। रेंट पूरे साल का मिला के 1,80,000 से ज्यादा हो जाता है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज काटने की जरूरत नहीं। जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल, एक बात समझ जाता हूं मैं, हमारी क्लासेस है इनसाइटो, और इनसाइटो वालों ने एक बिल्डिंग भाड़े पे ले रखी है जहां पे हमारी क्लास कंडक्ट होती है, ये हमने भाड़े पे ले रखी है हिरेन भाई से, हिरेन भाई करके एक बंदा है और हिरेन भाई से हमने ये क्लासेस भाड़े पे ले रखी है। अब एक बात समझना, हिरेन भाई को हमने क्या किया इस साल में रेंट दिया, और हिरेन भाई का रेंट कितना है, महीने का 1,00,000 रुपया। तो महीने का 1,00,000 मतलब 12 महीने का कितना हुआ बेटा, 12,00,000 हुआ। तो 12,00,000 रुपया मतलब 1,80,000 से ज्यादा का रेंट है, क्या इसमें टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज यस, कटेगा। कौन सी रेट से कटेगा? 10%, बिकॉज बिल्डिंग का रेट है 10%, अगर लैंड का रेट होता 10%, फर्नीचर का रेट होता 10%, प्लांट एंड मशीनरी होता तो 2%। अब एक बात समझना आप लोग, होता क्या है, जैसे मान लो पूरे साल का रेंट सिर्फ 1,00,000 ही है, पूरे साल का रेंट 1,00,000 ही है, क्या टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज नो। इनसाइटो है वो हिरेन भाई को रेंट दे रही है, पूरे साल का रेंट ओनली 1,00,000 है, टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली इफ रेंट इज मोर देन रुपीज 1,00,000 एंड 80,000 से ज्यादा है। तो अब एक बात समझना, हमने हिरेन भाई से इनसाइटो का बिल्डिंग रेंट पे लिया, लेकिन जो हमारा फर्नीचर है, जो बेंचेस लगी हुई है हमारे क्लास में, वो बेंचेस भी हमने इन्हीं से भाड़े पे ले रखी है, और इनको इसका भाड़ा देते हैं अपन 50,000 रुपया, 50,000 रुपया पूरे साल का हम इनको फर्नीचर का भाड़ा देते हैं। ऐसे का ऐसे इनसे प्लांट एंड मशीनरी, जो एसी लगे हुए हैं वो एसी भी इन्हीं से भाड़े पे ले रखे हैं हमने, और प्लांट एंड मशीनरी का भाड़ा इनको अपन देते हैं 50,000 रुपया पर एनम, मतलब 50,000 पर एनम हम प्लांटेड मशीनरी का भाड़ा देते हैं, 50,000 पर एनम फर्नीचर का भाड़ा देते हैं, 1,00,000 रुपया हम है वो बिल्डिंग का भाड़ा देते हैं। अब एक बात बताओ, एग्रीगेट मिला के जो पूरा रेंट है वो 2,00,000 हो गया, लेकिन एक बात बताओ इंडिविजुअल 180 से ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन ही आता है टीडीएस कटेगा या नहीं? मतलब मैं जो हिरेन भाई को दे रहा हूं वो 2,00,000 रेंट दे रहा हूं पूरे साल का, लेकिन 2,00,000 पूरा फर्नीचर का या लाइक प्लांटेड मशीनरी का या अलग अलग में नहीं है, सबका मिला के मैं उनको बिल्डिंग का, फर्नीचर का, प्लांट एंड मशीनरी का पूरा मिला के 2,00,000 रुपया भाड़ा दे रहा हूं, क्या यहां पे टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज यस, यहां पे टीडीएस कटेगा।
आपको यह देखना है कि जिस पर्सन को आप रेंट पे कर रहे हो वो रेंट अगर 1,80,000 से ज्यादा है तो यहां पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और टीडीएस कौन सी रेट से काटोगे तो मैं बता दूं, फर्नीचर पे टीडीएस आप 10% से काटोगे, और यहां पे बिल्डिंग पे टीडीएस है वो भी 10% से काटोगे, और प्लांटेड मशीनरी पे टीडीएस है वो 2% से काटोगे। लेकिन टीडीएस यहां पे लगेगा सिंस हिरेन भाई को जो मैं रेंट दे रहा हूं दैट रेंट इज मोर देन 1,80,000, 1,80,000 से ज्यादा का रेंट है तो उसमें बेटा टीडीएस है, वो टीडीएस कट जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो, समझा के नहीं समझा? समझा। अब एक और बात समझना सर, हुआ क्या कि मान लो हम इनसाइटो रेंट देती है, इनसाइटो ने एक बिल्डिंग भाड़े पे लिया हुआ है जिसका 3,00,000 रेंट है पर एनम, पर एनम उस बिल्डिंग का रेंट है, वो बिल्डिंग का रेंट बेटा 3,00,000 है, जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग का रेंट पूरे साल का 3,00,000 है। लेकिन मैं बता दूं उस बिल्डिंग के ओनर दो लोग हैं, दो भाई है वो बिल्डिंग के ओनर है, बिल्डिंग का रेंट 3,00,000 है, टीडीएस कटना चाहिए, लेकिन भाई दो है। दो भाई कौन कौन है? एक तो तुम्हारा राम और एक तुम्हारा लखन। राम एंड लखन दो भाई है, दो भाई उस बिल्डिंग के को ओनर है। हमने क्या किया, 3,00,000 रुपए रेंट में से बेटा 1,50,000 रुपया रेंट तो राम को दिया एंड 1,50,000 रुपया रेंट है वो लखन को दिया। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या इसमें टीडीएस कटेगा या नहीं? क्या इसमें टीडीएस कटेगा या नहीं? राम को दे रहे हो 1,50,000 रुपया और लखन को दे रहे हो 1,50,000 रुपया, क्या इसमें टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज ना बाबा ना। एक बात बताओ, ये 1,80,000 का जो लिमिट है ये पर पेई है, मतलब जिस पेई को आप पेमेंट कर रहे हो उसको अगर आपने 1,50,000 से सॉरी 1,80,000 से ज्यादा पेमेंट किया तो ही टीडीएस कटेगा। यहां पे राम को सिर्फ 150 का किया, शाम को या लखन को भी आपने 150 का किया, टीडीएस नहीं कटेगा। इवन दो बिल्डिंग का रेंट 1,80,000 से ज्यादा है, यहां पे ये लिमिट है, ये पे ही वाइज है, मतलब जिस पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो वो रेंट अगर आपको उसको आपने जो उसको दिया वो अगर 1,80,000 से ज्यादा है पर पे ही तो ही यहां पे टीडीएस कटेगा, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो? यस। अब एक बात समझना सर, क्वेश्चन ही आता है डिपॉजिट पे टीडीएस कटेगा क्या? अपन ने पता है डिपॉजिट देते हैं, जब कोई घर भाड़े पे वगैरह लेते हैं तो डिपॉजिट देते हैं करके, ठीक है? अगर कोई बिल्डिंग हमने भाड़े पे ली इनसाइटो की, हमने 10,00,000 रुपया डिपॉजिट दिया है, क्या डिपॉजिट पे टीडीएस कटेगा? ना बाबा ना, डिपॉजिट तो वापस रिफंडेबल है ना, वो रेंट थोड़ी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, इफ डिपॉजिट इज अ नॉन रिफंडेबल, अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो वहां पे बेटा आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट के केस में आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट तो रेंट ही तो हुआ, मतलब मैंने उसको डिपॉजिट दिया वो वापस रिफंडेबल नहीं है तो रेंट ही तो हुआ, तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट के केस में बेटा टीडीएस है वो टीडीएस कट जाएगा। उसके बाद में एक बात समझना, जो अरियर ऑफ रेंट है, अरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है कि अरियर ऑफ रेंट का मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं होता। आउटस्टैंडिंग रेंट होता तो ऑलरेडी पहले टीडीएस कट चुका होता, क्योंकि टीडीएस कैसे काटते हैं? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है, कभी कभी रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट की वजह से आपको रेंट है वो बाद में मिला, पीछे 5 साल का कुछ रेंट है वो बाद में आपको मिलता है या आप बाद में उसको रेंट पे करते हो, वो एरियर ऑफ रेंट, पीछे का रेंट आप पे कर रहे हो डिस्प्यूट वाला, तो उस पर भी टीडीएस काटना पड़ेगा, एज वेल एज द एडवांस रेंट जो आप देते हो, एडवांस रेंट पे भी टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद में एक और चीज समझना सर, अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट में पता है मैंने एक REIT के लिए अमेंडमेंट बताया था, मैंने बोला था REIT जो होता है वो REIT की उनकी खुद की ओन प्रॉपर्टीज होती है, REIT जो होता है उनकी खुद की ओन प्रॉपर्टीज होती है, और ओन प्रॉपर्टी से REIT को जो रेंट मिलता है वो रेंट बेसिकली आपको पता है एग्जेम्प्ट होता है REIT के हाथ में अंडर सेक्शन 1023 FCA करके सेक्शन थी, आपको याद रहेगा तो 1023 FCA करके सेक्शन थी और उसमें जो रेंट मिलता है REIT को वो एग्जेम्प्ट होता है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जब एग्जेम्प्ट है रेंट तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। अगर आप रेंट पे कर रहे हो वो किसी REIT बिजनेस ट्रस्ट को पे कर रहे हो और भैया अगर वो उसके हाथ में 1023 FCA में एग्जेम्प्ट है तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, रेंट इंक्लूड म्यूनिसिपल टैक्सेस, अगर आप म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह भी है वो रेंट में साथ में है तो उस पर भी मिला के है वो आप टैक्स क्या? अगर एक बात समझना, अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस है वो रेंट में इंक्लूड है तो क्या म्यूनिसिपल टैक्सेस वाले पार्ट पे टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे टीडीएस नहीं कटेगा। अपना रेंट का बिल आता है उसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस भी आता है, टैक्सेस वाले पार्ट पे टीडीएस है वो नहीं कटेगा। उसके बाद में एक बात समझना, एक बहुत ही फेमस केस लॉ है और बहुत ही फेमस केस लॉ है, दैट इज जापान एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस एंड सिंगापुर एयरलाइंस का। एक बात समझना, पहले जो केस लॉ था जापान एयरलाइंस है वो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ी और सिंगापुर एयरलाइंस साउथ का कोई हाई कोर्ट था, केरला या कर्नाटका हाई कोर्ट में जापान सिंगापुर एयरलाइंस लड़ी।
क्वेश्चन ये था कि आपको पता रहेगा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी रहती है, जैसे मुंबई में आप मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी, बॉम्बे एयरपोर्ट अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस ऐसे कैसे दिल्ली में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी है। अब एक बात समझना, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, पता है एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या करती है, जो तुम्हारा एयरपोर्ट रहता है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का रहता है, तो वहां पे जो जो फ्लाइट्स उतरती है उनसे वो लोग पता है लैंडिंग पार्किंग चार्जेस लेते हैं, लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेस। लैंडिंग चार्जेस मतलब वो पट्टी पे दौड़ती है, लैंड करती है, तो लैंडिंग चार्जेस और पार्किंग चार्जेस उसको जगह देते हैं वहां पे कि चलो यहाँ पे अपना फ्लाइट पार्क करो एंड ऑल दैट थिंग, वो सब लैंडिंग पार्किंग चार्जेस है, वो मिलता है एयरपोर्ट अथॉरिटी को। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एयरलाइंस एयरलाइंस कंपनी है, जो एयरलाइंस कंपनी है, इंडिगो है, जेट एयरवेज है, जापान एयरलाइंस है, ये एयरलाइंस कंपनी क्या करती है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस देती है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर ये लैंडिंग पार्किंग चार्जेस है एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपन पे कर रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपन जो दे रहे हैं, क्वेश्चन ये आता है कि इस पे टीडीएस कहां कटेगा, क्या ये 194C कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा या फिर ये 194I रेंट में जाएगा, क्या ये रेंट है यूज ऑफ लैंड करके ये रेंट में जाएगा या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। मैं बता दूं पहले हाईकोर्ट के दो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट थे, जापान एयरलाइंस के केस में हाईकोर्ट ये बोलती थी कि ये बेसिकली रेंट में जाएगा बिकॉज इट इज अ पार्किंग एंड लैंडिंग चार्जेस, दे यूज द लैंड और यहां पे ये रेंट में जाएगा, ये बोलती थी जापान एयरलाइंस। लेकिन सिंगापुर एयरलाइंस के केस में जो जजमेंट था हाईकोर्ट का, साउथ का हाईकोर्ट था, उसका जजमेंट ये बोलता था कि बेसिकली ये इट्स नॉट मेयरली यूज ऑफ लैंड, ये सिर्फ यूज ऑफ लैंड नहीं है, यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जाके वहां लैंड नहीं कर सकते, आपको वो बोलते हैं तब लैंड करना है, तभी लैंड करता है, फ्लाइट की लाइन लगती है, कौन सी लैंड पहले होगी कौन सी बाद में होगी, उसके बाद आपकी फ्लाइट को कहां पार्क करना है कैसे करना है, वो पूरा फैसिलिटी देती है एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो ये एक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें टीडीएस 194C में कटना चाहिए, ऐसा है वो सिंगापुर एयरलाइंस का जजमेंट था। दोनों केस सुप्रीम कोर्ट में गए और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ में इसको सुना, जो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस को एक साथ में लेके और एक साथ में सुना और उसका जजमेंट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है, आप ही बताओ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला होगा, रेंट बोला होगा या कॉन्ट्रैक्ट बोला होगा, सुप्रीम कोर्ट बोलती है ये कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज नॉट अ रेंट। देखो रेंट किसको बोलते हैं, जैसे हमने क्लासरूम भाड़े पे लिया, हम यहां पे नाचे डांस करे पढ़ाए कुछ भी करे हमारी मर्जी करके, ठीक है जब आना है जब आए जब जाना है जब जाए, ये तो हमने रेंट पे ले लिया, हम इसको चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, क्या एयरपोर्ट को ऐसे यूज कर सकते हो क्या कि जब आपकी मर्जी आए फ्लाइट उतार दो, जब आए चढ़ा दो, जब आपको मर्जी है जब वहां पे कहीं भी पार्क कर दो, ऐसा थोड़ी है भैया, रेंट में थोड़ी लिया है आपका, वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज वह कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट के केस में टीडीएस है वो 194C में जाएगा। तो ध्यान रखना जो पार्किंग लैंडिंग चार्जेस है उस पे टीडीएस 194C में जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद मैं एक बात समझना, रेंट के केस में भी अभी जो लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट आया था कि रेंट के केस में भी अपन 15G और 15H दे सकते हैं। जैसे मान लो मेरी मम्मी के पास एक बिल्डिंग है और मम्मी ने भाड़े पे दिया, उसका पूरे साल का रेंट 2 लाख है, बट मम्मी की और कोई इनकम नहीं है, तो मम्मी की और कोई इनकम नहीं है तो वो आगे वाले लोग तो टीडीएस काटेंगे, क्योंकि 1,80,000 से ज्यादा टीडीएस है, सॉरी 1,80,000 से ज्यादा रेंट है तो आगे वाले तो टीडीएस काटेंगे, बट जो मम्मी का इनकम है वो मम्मी का इनकम तो सिर्फ 2 लाख ही है, बेसिक एग्जेम्पशन से भी कम है, मम्मी को तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। तो क्वेश्चन ये आता है, मम्मी उनको एक डिक्लेरेशन दे सकती है 15G में, 15G नॉर्मल के लिए, 15H है वो सीनियर सिटीजन के, तो मम्मी उनको एक डिक्लेरेशन दे सकती है कि मेरी इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, तो आप मेरा टीडीएस मत काटो 194I में। पहले ये डिक्लेरेशन सिर्फ बैंक को वगैरह अपन दे सकते थे इंटरेस्ट वगैरह के केस में, आपको याद रहेगा, तो इंटरेस्ट के केस में अपन बैंक वगैरह को ये डिक्लेरेशन दे सकते थे, बट अभी ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन आप 194I दैट इज रेंट के केस में भी आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हो। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा। सब लोग एक काम करो, 194I है उसको, आई को एक बार अच्छे से पढ़ लो करके, ऑल पीपल आई को ढंग से पढ़ लो एक बार।
Done, people. Yes, people. चलो. So we done with the section 194 I. सब लोगों का I वाला part हो गया. और I मतलब I को मम्मी के नाम से याद रखोगे. And I का मतलब होता है rent. ठीक है. चलो. Now next section we are going to start. That is the section 194 IA. 194 IA is related to the एक नई section आई है. बता दूँ. साल दो साल पहले करके. ठीक है. अब एक नई सेक्शन आई है और वो नई सेक्शन ये बोलती है. नई सेक्शन आई है कब आई है? साल दो साल पहले करके. ठीक है. यहां पे ये बोला है कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पे टीडीएस लगेगा. देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की तो एक बात बताओ, जो सेलर रहेगा उसको क्या होगा? कैपिटल गेन होगा. तो यहां पे बायर टीडीएस काटेगा सेलर का, बायर टीडीएस काटेगा सेलर का. तो देखो 194 आईए सेक्शन क्या बोलती है कि यहां पे पेयर बेटा एनी पर्सन, जो पेयर है वो पेयर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पे कर रहा है. पेई किसको पेमेंट कर रहा है पता है? रेजिडेंट असेसी को. रेजिडेंट असेसी को पेमेंट कर रहा है, मतलब सेलर है वो सेलर रेजिडेंट होना चाहिए. और जो बायर है वो कोई भी पर्सन हो. सेलर रेजिडेंट है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी वो सेल करता है और बायर बाय करता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाइंग सेलिंग पे, ट्रांजेक्शन पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय करते हैं उस पर टीडीएस कटेगा यहां पर. और एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां पे जो टीडीएस का रेट रहेगा वो 1% रहेगा, 1% से काटना पड़ेगा. लेकिन एक बात समझना, यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब तुम्हारा जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है. मतलब लेस देन 50 लाख है तो काटने की जरूरत नहीं. टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड व्हेन कंसिडरेशन इज 50 लाख और मोर. इफ इट इज लेस देन 50 लाख देन देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस. टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है. जैसे आई कैन टेक एग्जाम्पल, मैंने अभी एक फ्लैट खरीदा और वो फ्लैट 1 करोड़ में खरीदा, मुझे टीडीएस काटना है. आंसर इज यस. कौन सी रेट से? 1% से उसका टीडीएस काटना है अगर मैंने किसी रेजिडेंट पर्सन से खरीदा है. देखो, नॉन रेजिडेंट से खरीदा होता तो 195 में काटते, रेजिडेंट से खरीदा है तो मुझे जो है वो टीडीएस काटना पड़ेगा. वो टीडीएस कौन सी रेट से काटना पड़ेगा बेटा? 1% की रेट से. एक चीज समझना, इसमें थोड़ा एक पॉइंट एंटिक है. एंटिक ये है, अलग ये है कि इसमें जो लिमिट 50 लाख की है ना, अगर एग्जैक्ट कंसिडरेशन 50 लाख का है टीडीएस कटेगा या नहीं? आंसर इज यस. बिकॉज यहां पे लिखा हुआ लेस देन 50 है तो नहीं कटेगा. एग्जैक्ट 50 है या 50 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा. लेकिन एक बात समझना, जितनी दूसरी सेक्शन अपन ने पढ़ी थी, जैसे 194 आई पढ़ा, वहां पे जो एग्जैक्ट 1,80,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा. 180 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा. लेकिन हियर एग्जैक्ट 50 है तो भी टीडीएस कट जाएगा. 50 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा. एग्जैक्ट 50 है तो यहां पर टीडीएस है, वो टीडीएस कट जाएगा. अब एक बात समझना, कंसिडरेशन 50 लाख या उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा. और एक बात बता दूं, इस सेक्शन में टीडीएस जब काटते हैं 1% तो कैसे कैसे काटते हैं? जैसे मान लो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जितना जितना इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो उतना उतना टीडीएस 1% है वो का. जैसे बिल्डर को, अपन बिल्डर के थ्रू घर खरीदते हैं और बिल्डर को मैं 20 लाख अभी दिया, 20 लाख 2 महीने बाद दिया, 20 लाख 2 महीने बाद, तो जैसे जैसे मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा वैसे वैसे मुझे बिल्डर का टीडीएस काटना पड़ेगा. अब इसमें एक बात समझना, होता क्या है, एक पर्सन है जिससे मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं. ये प्रॉपर्टी मैं एक पर्सन से खरीद रहा हूं. ये प्रॉपर्टी मैं 80 लाख में खरीद रहा हूं. लेकिन एक बात समझना, इस ये दो भाई के नाम पे है, मतलब राम और श्याम दोनों इसमें को ओनर है. मैं प्रॉपर्टी 80 लाख का खरीद रहा हूं लेकिन मैंने 40 लाख का राम को पेमेंट किया, 40 लाख का मैंने श्याम को पेमेंट किया, क्या टीडीएस कटेगा? यानी आंसर इज यस, कटेगा.
यहां पे बेटा आपको यह देखना है कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी 50 लाख या उससे ज्यादा का है तो टीडीएस काटना है, भले आप उस पर्सन को जिस आप वहां को ओनर है 3-4 और उनको सबको 50 से कम का पेमेंट कर रहे हो, बट वो प्रॉपर्टी अगर 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो यहां पे टीडीएस कटेगा। जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अगर तुम्हारा 50 लाख या उससे ज्यादा का है तो आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा, चलो फटाफट एक बार 194IA को गो थ्रू कर लो, एक बार 194IA को गो थ्रू करो एक बार। डन पीपल, आइए हुआ, चलो नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन। इसी साल से आइए बेटा, दैट इज नेक्स्ट सेक्शन इज अ सेक्शन 194IB। आइए के बाद नेक्स्ट सेक्शन इज 194IB। अब आप बोलोगे सर ये आईबी वाली सेक्शन क्या बोलती है? ये नई सेक्शन आई है और ये नई सेक्शन ये बोलती है कि एक बात समझना, इसमें सर पेयर कौन होता है? पहली चीज तो दिस सेक्शन इज ऑल्सो टीडीएस ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये सेक्शन है टीडीएस ऑन रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जब आप रेंट का पेमेंट करते हो तो टीडीएस यहां पे काटना है। लेकिन आप बोलोगे सर वो तो 194I में भी तो था, लेकिन एक बात समझना 194I में अपन टीडीएस तभी काटते थे जब पेयर कौन होता था, पता है? पेयर जो था वो पेयर कौन होता था? जो पेयर है वो पेयर में क्या था? एनी पर्सन बट अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हुज अकाउंट्स वर नॉट ऑडिटेड इन लास्ट प्रीवियस ईयर। तो इंडिविजुअल एचयूएफ की अगर लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुई थी तो उसको टीडीएस नहीं काटना पड़ता था, इसमें उसी को कवर किया। और यहां पे बोला कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट देते हो और पेयर कौन है पता है? पेयर यहां पे है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, और इंडिविजुअल एचयूएफ कौन सा वाला? जो 194I में कवर नहीं है, मतलब नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। देखो 194I में अगर कवर्ड है तो वो 194I में टीडीएस काटना पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ जो 194I में कवर्ड नहीं है, जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि आपने देखा होगा, जैसे मान लो मेरी वाइफ है, अब मेरी वाइफ किसी को रेंट पे कर रही है तो 194I में नहीं आएगी क्योंकि लास्ट ईयर उसकी ऑडिट नहीं हुई, लेकिन वो 194IB में आ सकती है। अब एक बात समझना 194IB में टीडीएस कब काटते हैं? तो पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन जो कवर्ड ऑलरेडी 194I में हो गया उसको छोड़ के। दूसरी चीज सर पेई किसको रेंट पे कर रहे हैं पता है? एनी रेजिडेंट पर्सन को। एनी रेजिडेंट पर्सन मतलब जो भी रेजिडेंट पर्सन है उसको रेंट पे कर रहे हैं, तो यहां टीडीएस कटेगा। एंड बेटा यहां पे रेट क्या रहती है पता है? टीडीएस की रेट रहेगी यहां पे 5%। आपको 5% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस रेट विल बी द 5%। 5% की रेट से यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस। आपको 5% की रेट से टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन सी रेट से? 5%। 5% की रेट है वो 5% की रेट से आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक बात समझना, तो देखो मैंने क्या बोला, पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ बट अदर देन सेक्शन 115I में कवर हो गया, सॉरी 194I में कवर हो गया उसको छोड़ के, पेई रेजिडेंट पर्सन रेंट पे टीडीएस है वो 5% से काटना है। लेकिन एक बात समझना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंट पे टीडीएस तभी काटना है जब वो रेंट है, वो रेंट अगर पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ
मोर देन 50,000 है। मतलब देखो बेटा, मेरी वाइफ ने घर भाड़े पे लिया और मेरी वाइफ ने घर भाड़े पे लिया, उसका रेंट महीने का 30,000 है। एक बात बताओ, महीने का 30,000 हुआ तो 12 महीने का कितना हुआ? 12 महीने का रेंट है वो 360,000 हुआ। क्या सेक्शन में टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, टीडीएस नहीं कटेगा। 194 आई में तो इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ मेरी वाइफ है और लास्ट ईयर की ऑडिट नहीं हुई थी। क्या 194 यहां पे आईबी में कटेगा? आंसर इज नो। आईबी में टीडीएस तभी काटना है जब तुम्हारा जो रेंट है वो रेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है वो 50,000 से ज्यादा है। अगर अप टू 50,000 है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। अगर 50,000 से ज्यादा रेंट है, इफ रेंट इज मोर देन 50,000 देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 50,000 तक पर मंथ का रेंट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 50,000 से पर मंथ से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। अब एक बात समझना, जैसे आई कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल कि मान लो हमने एक घर भाड़े पे लिया मेरी वाइफ ने और उसका रेंट 55,000 पर मंथ है। अब एक बात समझना, 55,000 पर मंथ है, टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? तो 55,000 और 12 महीने का तो टोटल रेंट कितना होगा? तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने का रेंट कम्स टू 6,60,000 और 6,60,000 पे आपको 5% की रेट से कितना 33,000 टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक बात समझना सर, इसमें टीडीएस कब काटना है? आपको बता दूं, एक बात बताओ, वहां पे जो है नॉर्मल हर केस में टीडीएस कब काटते थे? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी, जब आप पेमेंट करते हो और क्रेडिटिंग द पार्टी, विच एवर इज अर्लियर। लेकिन इसमें टीडीएस कब काटना है पता है? जब भी लास्ट मंथ का, लास्ट मंथ याद रखना, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब ईयर का लास्ट मंथ या टेनेंसी का लास्ट मंथ। मेनी टाइम ऐसा होता है कि आप भैया इन बिटवीन द मतलब ईयर आप घर खाली कर देते हो तो वो बोलेंगे टेनेंसी का लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और टेनेंसी का लास्ट मंथ, उसका जब भी उसको आप जो पेई है उसको क्रेडिट करते हो या फिर उसका आप पेमेंट करते हो तब आपको टीडीएस काटना है। मतलब टीडीएस कब काटना पड़ेगा आपको? टीडीएस कब काटना पड़ेगा? लास्ट मंथ का रेंट जब आप क्रेडिट करते हो या लास्ट मंथ का रेंट आप पेमेंट करते हो, विच एवर इज अर्लियर रहेगा, तब आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब यहां पे टीडीएस है वो टीडीएस लास्ट मंथ के रेंट से काटना है। लास्ट मंथ का रेंट है वो आप जब भी क्रेडिट करोगे या लास्ट मंथ का रेंट है जब आप उसका पेमेंट करोगे, विच एवर इज अर्लियर वाला रहेगा, तब आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो। यस। अब एक बात समझना तो मैं बताऊं, यहां पर टीडीएस जैसे मान लो 55,000 तुम्हारा, मैंने हमने पूरे साल है वो पूरे साल जो है वो पूरे साल हमने घर भाड़े पे रखा और 55,000 पर मंथ का भाड़ा था तो 12 महीने का भाड़ा कितना हुआ? 660। और हम ये 33,000 का टीडीएस काटेंगे उसका, मेरी वाइफ है वो 33,000 का टीडीएस काटेगी। और ये टीडीएस कौन से मंथ में काटना है? लास्ट मंथ। लास्ट मंथ कौन सा तुम्हारा होता है? मार्च। अब मार्च के एंड में हमने क्रेडिट किया और पेमेंट मान लो अप्रैल में किया तो क्रेडिट मार्च के एंड में हुआ तो मार्च मंथ में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा कितना? 33,000 का। 6,60,000 का 5% comes to 33,000, 33,000 का TDS है, वो TDS काटना पड़ेगा। अब एक बात समझना सर, अगर मान लो टेनेंट है, वो टेनेंट ने TDS टेनेंट देगा ओनर को, हाँ। तो मान लो जो आगे वाला जो पेई है, वो पेई ने, जैसे हमने मेरी वाइफ ने घर भाड़े पे लिया तो रेंट दे रही है किसी को, तो आगे वाला पर्सन अगर अपना पेन नंबर नहीं देता तो TDS की रेट क्या हो जाएगी बेटा? 5% और 20% विच एवर इज हायर, 5% और 20% विच एवर इज हायर। अब एक चीज समझना, यहाँ पे हुआ क्या कि मान लो उसको, उसने ओनर ने हमको रेंट अपना पेन नंबर दिया ही नहीं तो हम उसका टीडीएस 20% से काटेंगे। लेकिन एक बात बताओ, 55,000 मल्टीप्लाई बाय मतलब 12, 6,60,000 होता है। अब एक बात बताओ, 6,60,000 का 20% कितना आएगा? तो 6,60,000 का तो 20% कम्स टू कितना आएगा? 1,32,000। लेकिन एक बात बताओ, मैं तो लास्ट महीने का रेंट कितना दूंगा? सिर्फ 55,000 दूंगा। तो मैं यहां मैक्सिमम टीडीएस कितना काटना है? 55,000। यहां पे 1,32,000 नहीं काटना, लास्ट मंथ जो है वो लास्ट मंथ का जो रेंट होता है अप टू दैट एक्सटेंट आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आगे वाला आपको अपना पेन नंबर नहीं दे रहा है तो आप कितना टीडीएस काटोगे? 132 नहीं, क्योंकि 132 तो अपने पास है ही नहीं, उसका टीडीएस है वो अपन कितना काटना पड़ेगा यहां पे बेटा? उसका टीडीएस 55,000 रुपया है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मैं बोलू यहां पे पेयर कौन था? यहां पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ अदर देन कवर्ड अंडर सेक्शन 194 आई वाला, ठीक है? रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रेजिडेंट पेई को आप पे कर रहे हो
और टीडीएस का रेट रहेगा 5% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ 50,000 से ज्यादा का रेंट है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ जो रेंट है वो 50,000 से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मतलब टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ओनली इफ द रेंट इज मोर देन 50,000, अदरवाइज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस पर मंथ का 50,000। टीडीएस कब काटना है? लास्ट मंथ का रेंट जब भी आप क्रेडिट करोगे, या टेनेंसी का लास्ट मंथ है उसका रेंट जब आप क्रेडिट करते हो, मतलब क्रेडिट का मतलब बुक्स में एंट्री पास करते हो, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाली इवेंट होगी तब आपको काटना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मैंने आपको दे रखा है, तो देखो टाइम ऑफ डिडक्शन वाला पार्ट है वो देखना एक बार। दिस डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर और द लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी if the property is vacated during the year, as the case may be, to the account of pay or at the time of payment thereof in cash or by issue of check or draft, kaise bhi, any other mode, whichever is earlier. To payment or last month ka rent jab aap credit karoge, whichever is earlier, to ek bar isko pure acche ko ek bar padh lo, isko 194 IB ko ek bar padh lo, exam mein question ban sakta hai beta. हाँ भाई, डन। अब एक बात समझना आप लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। नेक्स्ट सेक्शन इज 194 आईसी, ये भी नई सेक्शन है इसी साल से। एंड 194 आईसी क्या बोलती है बेटा? 194 आईसी ये बोलती है, आईसी अब एक बात समझना, आईसी जो सेक्शन है दिस इज, एक अपन ने कैपिटल गेन में सेक्शन थी आपको याद रहेगा तो 45(5)A करके अपन ने एक सेक्शन पढ़ी थी, पता, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में आपको पता रहेगा कि जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में क्या होता था, क्या अपने पास कोई बिल्डिंग थी या लैंड थी, अपन बिल्डर को देते थे, बिल्डर उस पर कंस्ट्रक्ट करके देता था और अपने को शेयर उसमें मिलता था, और जिस ईयर में वो जो अपने को मिलने वाला है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें अपना शेयर मिलने वाला है उसका, जिस ईयर में सीसी आया उस ईयर में आपको बेसिकली, जिस ईयर में उसका सीसी आया उस ईयर में, सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस ईयर में उसका आता था,
उस ईयर में आपको पता है अपने को कैपिटल गेन लगता था, याद आया 45(5)A अपन ने पढ़ा था वहां पे। तो एक बात समझना, अगर जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में बिल्डर आपको देखो प्रॉपर्टी में हिस्सा तो देता ही है इन काइंड, लेकिन मैंने बोला कभी कभी आपको पैसा भी दे देता है। तो बिल्डर ने अगर आपको कोई पैसा दिया, मतलब मनी कंसिडरेशन में दिया, मनी दिया, पैसा दिया करके, ठीक है, तो उस पर टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटेगा पता है? 194IC में। तो 194IC में कटेगा अगर आप जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में बिल्डर के साथ एंटर हुए हो और जो बिल्डर आपको कंसिडरेशन दे रहा है वो कंसिडरेशन अगर काइंड में वाला नहीं है, काइंड वाला नहीं है, काइंड में होता है, काइंड का मतलब फ्लैट वगैरह मिलेगा वो तो मिलेगा, उस पर टीडीएस नहीं काटना, लेकिन अगर उसने पैसा दिया जो मनी दिया उस पर उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस की रेट यहां पे रहेगी 10%। बोलो कौन सी रेट रहेगी? 10%। कौन सी रेट रहेगी? 10%। तो जो कंसिडरेशन है काइंड वाला नहीं, देखो काइंड में तो उसको क्या मिलेगा, फ्लैट वगैरह मिलेगा, वो नहीं, जो बाकी वाला जो कंसिडरेशन मनी में वगैरह दिया तो उस पर टीडीएस उसको काटना पड़ेगा। कौन सी रेट से वो टीडीएस काटेगा? 10%। और कितना भी कंसिडरेशन है यहां पर टीडीएस काटना पड़ेगा। चलो एक बार 194 IC देख लो सब लोग। और उसके नीचे एक नोट दे रखा है अगले पेज पे, नोट फॉर सेक्शन 194IA and IB। एक बात बताओ, हर बार जब आप टीडीएस काटते हो तो 10 नंबर लेना पड़ता है, लेकिन बेटा आईए और आईबी में आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं। जो सेक्शन 194IA है एंड 194IB है उसमें 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं, बिना 10 नंबर लिए भी आपको पता है वो 26QB करके फॉर्म भरते ऑफिस में अगर किसी ने देखा होगा तो करके, ठीक है, तो इसमें बिना 10 नंबर लिए 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं, आप आगे वाले का टीडीएस वगैरह जमा करवा सकते हो। चलो देख लो एक बार। Done people. चलो नेक्स्ट पार्ट एंड वन मोर इंपोर्टेंट सेक्शन बेटा, आईए और आईबी इंपोर्टेंट मानना, आईए और आईबी, आईबी इंपोर्टेंट था, आई रेंट वाला ऑब्वियसली वो तो इंपोर्टेंट है ही है, आईए और आईबी भी मार्क करना, आईसी नॉर्मली आई डोंट थिंक आईसी से रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछे, बट आईए और आईबी ध्यान रखना आप लोग। चलो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 194J। जे को याद रखोगे जानी दुश्मन नाम से, जानी दुश्मन। एक बात बताओ, तुम्हारे लिए जानी दुश्मन कौन रहता है? तुम्हारा बॉस, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे सर जो है वो तुम्हारे लिए क्या है? जानी दुश्मन है। तो उनको अगर आपने कोई भी पेमेंट किया,
उनको अगर आपने कोई भी पेमेंट किया तो टीडीएस 194J में कटेगा। कौन सी सेक्शन में? 194J में। तो देखो बेटा, मैं एक बात बोलूं, 194J में कौन कौन से पेमेंट कवर होते हैं। तो 194J में पेमेंट कवर होते हैं, एक तो तुम्हारा प्रोफेशनल फीस, दूसरा तुम्हारा टेक्निकल फीस। जो प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल फीस है, उसके बाद में तुम्हारा जो रॉयल्टी है। तो प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, उसके बाद में नॉन कंपीट फीस एंड भैया डायरेक्टर फीस। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, कौन कौन सी चीजें यहां कवर होगी? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस एंड डायरेक्टर फीस। ये पांच तरीके के पेमेंट है जो आपके 194J में कवर होंगे। प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस एंड डायरेक्टर फीस। क्या क्या बोला मैंने? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस एंड डायरेक्टर फीस। ये जो पांच पेमेंट है, ये पांच पेमेंट आपके कहां पे कवर होंगे? 194J में। अब एक बात समझना, सर इसमें टीडीएस कब काटना है? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस एंड डायरेक्टर फीस। नॉन कंपीट फीस क्या होती है? अपन ने पीजीबीपी में पढ़ा था, कंपटीशन ना करने के लिए पैसा मिलता है। कि मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, मुझे 10 करोड़ दे दो, तो कंपटीशन ना करने के लिए जो पैसा मिलता है उस पर टीडीएस कौन सी सेक्शन में कटता था? 194J में टीडीएस कटेगा, क्योंकि वो उधर बिजनेस में टैक्सेबल होता है और उसका टीडीएस है वो 194J में कटेगा। अब एक बात समझना, चीजों को समझने की कोशिश करना ऑल पीपल। देखो बेटा, जो प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल फीस है, रॉयल्टी है, नॉन कंपीट फीस है, डायरेक्टर फीस पे टीडीएस कटेगा। अब एक बात बता, सर पेयर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन बट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हुज अकाउंट्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इन लास्ट प्रीवियस ईयर। लॉजिकल है, मेरी वाइफ ने अगर किसी को प्रोफेशनल फीस किया, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिडक्ट टीडीएस, तो वहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में बेटा पेई कौन है? कोई भी रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या रहेगी? 10%। इनके केस में रेट है वो 10% रहेगी। लेकिन इसमें एक चीज समझना, आपको टीडीएस तभी काटना है जब आप प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस जो पे कर रहे हो वो 30,000 से ज्यादा है पर एनम। मतलब पूरे साल का मिला के अगर 30,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरे साल का मिला के अगर 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना है। लेकिन इसमें एक चीज समझना, ये जो लिमिट है ना 30,000 की, ये लिमिट सबके लिए अलग अलग है। मतलब प्रोफेशनल फीस के लिए अलग से 30,000, टेक्निकल फीस के लिए अलग से 30,000, रॉयल्टी के लिए अलग से 30,000, नॉन कंपीट फीस के लिए अलग से 30,000 एंड मैं बता दूं डायरेक्टर फीस के लिए कोई लिमिट ही नहीं है। अगर डायरेक्टर को आप पेमेंट करते हो, भले आपने 10 रुपए का पेमेंट किया तो भी आपको 1 रुपया टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर को आपने डायरेक्टर सिटिंग फीस वगैरह पे किया तो आपने 10 रुपए का पेमेंट किया तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझना, ये प्रोफेशनल फीस है, टेक्निकल फीस है, रॉयल्टी है, नॉन कंपीट फीस है, इन सबके लिए ये लिमिट 30,000 की और ये लिमिट अलग अलग है। मतलब प्रोफेशनल फीस के लिए लिमिट 30,000 अलग, टेक्निकल फीस के लिए अलग, रॉयल्टी के लिए अलग, नॉन कंपीट फीस के लिए अलग। ये जो लिमिट है, ये लिमिट सबके लिए 30,000 है, ये अलग अलग लिमिट है। और डायरेक्टर फीस के लिए कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब डायरेक्टर को 1 रुपया भी आपने पे किया तो भी उसका टीडीएस है वो डायरेक्टर पे काटना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, और इसको डायरेक्टर को कुछ भी पे किया तो आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। चलो एक काम करो, फटाफट 194J भी देख लो। डन पीपल। चलो अब एक बात समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीजों को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द 194LA। अब एक बात समझना, 194LA, ये भी याद रखना आपको। 194LA इज रिलेटेड टू आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी ले गए करके, ठीक है, कंपल्सरी एक्वायर्ड हो गई, ले गए आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी LA। अब एक बात समझना, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी ले गए जो एक्वायर होगी कंपलसरी एक्वायर, उस पर जो कंपनसेशन मिलेगा उस पर टीडीएस 194LA में कटेगा।
पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन, लेकिन एक बात समझना, यहाँ टीडीएस का रेट रहेगा 10%, 10% की रेट से टीडीएस काटना है, लेकिन टीडीएस यहां पे तभी काटना है जब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का कंपनसेशन है। अगर आपको जो कंपनसेशन दे रहे हैं दैट कंपनसेशन इज मोर देन 2,50,000, 2,50,000 से ज्यादा का कंपनसेशन है, पहले यहां 2 लाख का लिमिट होता था, नाउ इट इज द 2,50,000। अब एक बात समझना, आपकी बुक में जो एलए में एनी पर्सन लिखा है ना, पे में मेक इट रेजिडेंट, 194 एलए में जो एनी पर्सन लिखा है उसकी जगह मेक इट रेजिडेंट, एनी रेजिडेंट पर्सन। 2.5 लाख से ज्यादा का कंपनसेशन है, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 194 एलबी। अब और एक और चीज समझना, एलए में अगर बेटा रूरल एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड तुम्हारी कैपिटल असेट होती नहीं है, और वो जब कैपिटल असेट नहीं होती है तो उसके केस में आपको टीडीएस, जब कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा तो आपको टीडीएस है वो काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू 194 एलबी। एलबी क्या बोलता है कि अगर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, अगर मान लो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ने किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, तो वहां पे 5% की रेट से टीडीएस काटना है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ने किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट दिया तो 5% की रेट से टीडीएस काटना है। एंड 195 सेक्शन है, 195 इज रिलेटेड टू कोई भी दूसरे पेमेंट जो किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को करते हो। देखो बेटा, कोई भी जो दूसरे पेमेंट है वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, एक बात बताओ, सैलरी एनआर को पे करते हो 192 में कवर हो जाता है, विनिंग वाला पैसा है वो 194 सी में कवर हो, विनिंग वाला 194 सी में कवर हो जाता है, एक ई वाला है वो ई ऑलरेडी पहले कवर हो चुका है करके, ठीक है, ऊपर एलबी कवर हुआ, एलबीए है वो अपन ने वहां पे कवर किया था, पता है बिजनेस ट्रस्ट में वगैरह अपन ने एलबीए एलबीबी और एलबीसी सेक्शन अप है वो अपन ने बिजनेस ट्रस्ट में पढ़ी थी। बाकी अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट को आप पेमेंट करते हो तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का टीडीएस 195 में कटता है। जो भी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को आप पेमेंट करते हो और इनकम अगर उसके हाथ में टैक्सेबल है तो टीडीएस 195 में कटेगा। और सर कौन सी रेट से कटेगा, मैं आपको बता दूं, यहां पे टीडीएस की रेट होती है, वो रेट क्या रहती है पता है, या तो DTAA का रेट, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का रेट, या फिर रेट इन फोर्स, जो इनकम टैक्स के हिसाब से रेट इन फोर्स है, विच एवर इज लोअर है उस रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, विच एवर इज बेनिफिशियल, सीधी सी बात है, जो दोनों में से आपके लिए बेनिफिशियल है, DTAA का रेट या रेट इन फोर्स है, दोनों में से जो भी रेट बेनिफिशियल होती है उस रेट से टीडीएस काटना पड़ता है। चलो देख लो एक बार 195 तक, ऑल पीपल एक बार 195 तक देख लो। तक देखो एक बार, डन पीपल, चल ऑल पीपल डन। अब एक बात समझना, टीडीएस की सेक्शंस जो मेन सेक्शंस है वो यहां कंप्लीट हो जाती है। नाउ देयर आर सर्टेन नोट्स इज रिलेटेड टू टीडीएस, सब लोग देखना बेटा ऑल पीपल। सबसे पहला, एनी अमाउंट इंक्लूड सर्विस टैक्स, अगर सर्विस टैक्स जुड़ा हुआ है, सर्विस टैक्स में आई कैन से दैट द जीएसटी, अगर टीडीएस के अमाउंट में कहीं, सॉरी, आपका जो अमाउंट है उसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, TDS should not be deducted on such service tax amount. Service tax की जगह you can write a GST. GST amount है, GST पे आपको TDS काटने की जरूरत नहीं है। जो GST वाला amount है, वो GST वाले amount पे आपको TDS है, वो TDS काटने की जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा,
अगर जीएसटी जुड़ा हुआ है अमाउंट में, तो जीएसटी वाले अमाउंट पे आपको टीडीएस है वो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीएसटी टुवर्ड्स सर्विसेज, ये ध्यान रखना, यहां पे लिख लो जीएसटी टुवर्ड्स सर्विसेज वाला। जैसे आपका बॉस है, आपके बॉस का जो बिल आता है, और आपके बॉस ने मान लो प्रोफेशनल फीस का 1,00,000 रुपए का बिल दिया, तो वो कैसे करेंगे, 1,00,000 रुपए का बिल देंगे और उसमें 18,000 रुपया क्या जोड़ेंगे, जीएसटी टोटल 1,18,000 है, वो उसका बिल है। अब एक बात समझना, टोटल 1,18,000 का बिल है तो टीडीएस सर कितने पे काटेंगे, 1,00,000 पे या 1,18,000 पे, 1,00,000 पे। यहां पे टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ओनली ऑन द 1,00,000 है, 1,00,000 पे टीडीएस काटेंगे 10% की रेट से प्रोफेशनल फीस पे। सेम वे इन द रेंट, जो रेंट है वो भी एक सर्विस पोर्शन होता है, तो जीएसटी जो सर्विस पोर्शन वाला होता है उस जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटता, जीएसटी जो गुड्स वाले पोर्शन का है उस पे टीडीएस कटेगा। भैया ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं यहां पे जीएसटी टूवर्ड सर्विसेज, तो वहां पे लिख लेना जीएसटी टूवर्ड सर्विसेज है तो उस पे टीडीएस है, वो काटने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नो टीडीएस इफ पेमेंट इज मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल फंड। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो इनको जब आप अगर पेमेंट कर रहे हो तो इनका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वेयर टोटल इनकम और रिसिप्ट ऑफ इनकम इज नॉट लाइबल टू टैक्स और टैक्सेबल एट लोअर रेट, then AO, then SSC can apply to AO to issue a certificate of non-deduction or lower deduction of TDS. In such a case, payer shall deduct TDS at the rate specified in the certificate, that is section 197. एक बात समझना, मेरे मान लो पुराने बहुत सारे बिजनेस के लॉसेस है, मेरे बिजनेस के 2-4 करोड़ के लॉसेस पड़े हैं। अब एक बात समझना, इस साल भी मुझे जो पैसा मिलेगा उस पर टीडीएस तो कटेगा ही, लेकिन जो मेरी इनकम आ रही है अल्टीमेटली मैं लॉसेस से सेट ऑफ करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि मेरे लॉसेस से सेट ऑफ होने वाले हैं, मेरा कोई टैक्स तो आएगा नहीं, मुझे पता है मेरे लॉसेस है वो लॉसेस सेट ऑफ होने वाले हैं, मुझे कोई टैक्स तो आएगा ही नहीं, ये मुझे अभी से पता है करके, ठीक है। अब हुआ क्या, एक बात बताओ, मेरा तो भी तुम टीडीएस तो काटोगे, जो जो मुझे पेमेंट करेगा प्रोफेशनल फीस का वगैरह, दे विल डिडक्ट द टीडीएस, वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे, इवन तो मेरी इनकम है वो तो टैक्सेबल होगी नहीं, क्योंकि मेरे पास यूज लॉसेस है, वो लॉसेस सेट ऑफ हो जाएंगे। जब ऐसा होता था तो एक बात समझना, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एओ को जाके बोल सकता हूं, एओ को बोलूंगा कि सर सर मेरी इनकम तो ऐसे भी टैक्सेबल नहीं होगी क्योंकि मेरे बहुत सारे लॉसेस है सर, तो भी वो मेरा टीडीएस तो काट रहे हैं, सर आप मुझे प्लीज एक सर्टिफिकेट दे दो ना लोअर डिडक्शन और लो डिडक्शन का। अगर एओ इसमें मुझे सर्टिफिकेट देता है लोअर डिडक्शन और लो डिडक्शन का, तो वो सर्टिफिकेट ले जाके मैं किसको दूंगा, मेरे जो पेयर को सर्टिफिकेट दूंगा, तो पेयर मेरा टीडीएस नहीं काटेगा या फिर लोअर रेट से काटेगा। मेरा जो पेयर है वो पेयर टीडीएस नहीं काटेगा, या तो काटेगा ही नहीं या फिर लोअर रेट से टीडीएस काटेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो, तुमको समझा कि नहीं समझा? समझा तो देखो बेटा, वेयर टोटल इनकम और रिसिप्ट ऑफ इनकम इज नॉट लाइबल टू टैक्स एट टैक्स और टैक्सेबल एट लोअर रेट, देन ही कैन अप्लाई टू एओ टू इशू अ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट देगा लोअर डिडक्शन और लो डिडक्शन का। एक और होता है पता है, 15G 15H। ये 15G 15H क्या होता है, आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, आपकी इनकम है वो आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, तो आप बैंक को वगैरह, देयर आर स्पेसिफिक सेक्शन, वहां पे आप वो सर्टिफिकेट दे सकते हो 15G 15H का, कि भाई मेरी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है, प्लीज आप टीडीएस मत काटो, तो आगे वाला टीडीएस नहीं काटेगा। नॉर्मली बैंक इंटरेस्ट केस में वगैरह होता है। तो देखो बेटा, वेयर इनकम ऑफ एसएससी इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन, देन इन केस ऑफ सेक्शन 192A कौन सा होता है, वो तुम्हारा ईपीएफ वाला पेमेंट, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194A अदर इंटरेस्ट, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वाला, 194DA LIC LIP का मेच्योरिटी अमाउंट, 194I मतलब रेंट, मैंने बोला था रेंट वाला पॉइंट भी इसमें जोड़ा है। एसएससी कैन गिव डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 15G और 15H टू द पेयर फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ TDS, ये सेक्शन 197A बोलती है। अंडर सेक्शन 197A इफ इनकम ऑफ 192A 193 194A 194DA 194I इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन बट NTI इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन, देन 197A इज नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बात बताओ, मेरी जो मॉम है वो मॉम को बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है 2,90,000, तो देखो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट तो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, लेकिन हुआ क्या, ये मान लो मैं मॉम की GTI बन गई, इसमें से मुझे डिडक्शन मिला, वो डिडक्शन मान लो मम्मी को 1,00,000 का मिला, तो मम्मी की NTI कितनी बनी, 190। अब एक बात समझो, ये इंटरेस्ट का इनकम ही है, 290 का इंटरेस्ट का इनकम है, तो इंटरेस्ट इनकम इज बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा, लेकिन मम्मी का जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो नेट टैक्सेबल इनकम तो बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, टैक्स भरना पड़ेगा क्या, नहीं, लेकिन मम्मी का डिक्लेरेशन यहां पे दे सकती है, नहीं दे सकती। देखो
यहां पे यही लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा जो इनकम है 192 ए वाला, 193, 194 ए, 194 डीए, 194 आईए वाला जो इनकम है, वो इंटरेस्ट इनकम वगैरह, वो इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, वो इंटरेस्ट बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है लेकिन एनटीआई बेसिक एग्जेम्पशन तक ही है, तो भैया आप डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। मतलब यहां पे बेटा वो टीडीएस 290 पे बैंक वाले काटेंगे कितना, 10%। लेकिन बेटा सीनियर सिटीजन के केस में ऐसा चलेगा, बट एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के केस में ऐसा चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मॉम की एज 67 ईयर्स है और यहां 390 है और यहां 1 लाख, तो 290 बचा। अब एक बात बताओ, 390 बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है लेकिन मॉम को बेसिक एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 3 लाख का। अब एक बात बताओ, एनटीआई 290 है मतलब टैक्स नहीं लगेगा। यहां पे मॉम डिक्लेरेशन देगी तो वो डिक्लेरेशन ले लेंगे, यहां पे मॉम डिक्लेरेशन देगी तो डिक्लेरेशन ले लेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन तक ही है, तो आप बेटा डिक्लेरेशन 197A का डिक्लेरेशन आप नहीं दे सकते, 197A का डिक्लेरेशन आप नहीं दे सकते। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में दे सकते हैं। तो देखो बेटा एक एग्जांपल दे रखा है, रेंट रिसीव्ड बाय कुणाल इज 350 बट ही इन्वेस्टेड 120 इन द एटीसी। नाउ हिज एनटीआई इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन, एनटीआई तो लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन 230 हो गया, टैक्स पेबल इज निल, बट नाउ इन दिस केस कुणाल कैन नॉट फर्निश डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 15G, वो 15G का डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अब एक बात बताओ, टीडीएस गवर्नमेंट को पेमेंट कब करना है, जिस महीने में टीडीएस काटोगे, अगले महीने की 7 तारीख। लेकिन एक बात समझना, अप्रैल से फेब तक का जो टीडीएस है वो 7 ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 7 तारीख को जमा करवाना है, लेकिन जो मार्च का टीडीएस है दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड टिल 30th अप्रैल। देखो बेटा, अप्रैल से लेके फेब तक का टीडीएस, अप्रैल से लेके अगले महीने की जो फेब, अगले मतलब लाइक प्रीवियस ईयर में अप्रैल से लेके और फेब तक का टीडीएस है वो अगले महीने की 7 को जमा करवाना है और मार्च का टीडीएस है वो 30th अप्रैल को जमा करवाना है। अब एक बात समझना, इसके रिटर्न भी फाइल करने पड़ते, क्वार्टरली रिटर्न जाते हैं, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। अब रिटर्न की ड्यू डेट क्या है टीडीएस टीसीएस के, एक बात समझना, क्वार्टरली रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है, क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद अगले महीने की लास्ट डेट को टीडीएस का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो मैं बताऊं, टीडीएस का रिटर्न पहला क्वार्टर 30 जून को कंप्लीट होगा तो उसकी ड्यू डेट रहेगी 31 जुलाई, जून के बाद जुलाई, दूसरा सितंबर तो क्या रहेगी 31 अक्टूबर, दिसंबर तो 31 जैन, और 31 मार्च वाले का 30th अप्रैल नहीं, 31 मई, क्योंकि 30th अप्रैल को तो मार्च वाले मंथ का टीडीएस आप जमा करवाओगे, तो 31 मई है उस डेट तक आपको क्या है वो टीडीएस का रिटर्न गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ेगा। लेकिन टीसीएस में क्या होता है, अगले क्वार्टर का जो क्वार्टर कंप्लीट होता है उसके अगले मंथ का 15 तारीख, तो जैसे यहां पे 15 जुलाई 15 अक्टूबर 15 जनवरी एंड 15 मई, तो टीसीएस के केस में 15 जुलाई 15 अक्टूबर 15 जनवरी 15 मई और टीडीएस के केस में 31 जुलाई 31 अक्टूबर 31 जैन और 31 मई करके है, उतने में आपको टीडीएस है वो टीडीएस का रिटर्न है वो आपको फाइल करना पड़ेगा। और ये टीसीएस, अब एक बात समझना सर, टीडीएस का जैसे आप रिटर्न फाइल करोगे उसका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग सेम वैसा ही होगा जैसा 143(1) में होता था कि भैया आपने जब रिटर्न फाइल किया टीडीएस का तो उसका प्रोसेसिंग होगा, उसमें अगर अरिथमेटिक एरर है या इनकरेक्ट क्लेम है वो ठीक होने के बाद आपको इंटीमेशन मिल जाएगी, टीडीएस टीसीएस की इंटीमेशन कौन से सेक्शन में आती है, 200A में आती है। और ये इंटीमेशन आपको कब तक मिलेगी, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच क्वार्टरली रिटर्न वॉज फाइल, जिस ईयर में रिटर्न फाइल किया उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर आपको है, आपको वो इंटीमेशन है वो इंटीमेशन मिल जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो समझा के नहीं समझा, समझा एक बार इसको पढ़ो एक बार, 200A को। हाँ भाई, डन पीपल? अरे हुआ क्या रे, चलो
नेक्स्ट पार्ट 201, सेक्शन 201 क्या बोलती है, इफ एसएससी फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या आफ्टर डिडक्शन फेल्स टू पे टीडीएस टू गवर्नमेंट, एसएससी इज ट्रीटेड डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, ही शैल बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 220 एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 221. एक बात बताओ, आपने टीडीएस काटा ही नहीं किसी का, या टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवा रहे हो, आप बेशरम हो, काटा ही नहीं, या फिर काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा रहे हो, तो आप क्या माने जाओगे, एसएससी इन डिफॉल्ट, डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाओगे. और जब आप डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाओगे, आप क्या माने जाओगे, डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, आप डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाओगे. और जब आप डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट माने जा रहे हो, आप डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाओगे, और जब आप डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाते हो, तो आपको बेटा इंटरेस्ट लग जाएगा 220 का, एंड आपको पेनल्टी लग जाएगी 221 की. आपको इंटरेस्ट लगेगा 220 का एंड पेनल्टी लगेगी 221 की. 220 का इंटरेस्ट और पेनल्टी 221 की. एक बात बताओ, वोडाफोन का यही तो हुआ था, वोडाफोन ने पेमेंट किया, टीडीएस काटा ही नहीं, तो उसको एसएससी इन डिफॉल्ट माना और इंटरेस्ट पेनल्टी लगाया, सेम. अब एक बात समझना, जब आप टीडीएस लेट जमा करवाते हो तो, या लेट काटते हो, तो उसमें आपको इंटरेस्ट 211 का लगता है. आपने टीडीएस अगर लेट काटा या लेट जमा करवाया, तो देखो बेटा, एक तो होता है लेट काटना, आपको काटना कब पड़ता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर. और पेमेंट कब करना पड़ता है, अगले महीने की, काटा उसके अगले महीने की 7 तारीख को. अगर आपने लेट काटा तो आपको बेटा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा. कब से पता है, जिस दिन काटना चाहिए था उस दिन से लेके जिस दिन काटा, जिस दिन काटना चाहिए था उस दिन से लेके जिस दिन काटा, उस दिन तक आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा. और जिस दिन आपने काटा उस दिन से लेके आपने जब जमा करवाया उस दिन तक 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से आपको इंटरेस्ट लगेगा. जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, यहां पे समझना आप चीजों को. देखो बेटा, पहला लेट डिडक्शन, अगर डिडक्शन ही लेट हुआ तो इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द अमाउंट ऑफ टीडीएस फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स वॉज डिडक्टेबल. जिस दिन काटना था उस दिन से लेके द डेट ऑफ टैक्स एक्चुअली डिडक्टेड, उस दिन तक आपको जितना टीडीएस नहीं काटा उस पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा. और लेट पेमेंट है, अगर पेमेंट लेट किया तो इंटरेस्ट एट द रेट 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन अमाउंट ऑफ टीडीएस फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड, जिस दिन काटा और टैक्स जिस दिन एक्चुअली गवर्नमेंट को पे किया, उस दिन तक 1.5% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा. एक बात बताऊं, ये थोड़ा एंटिक चीज है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. इधर देखो सब लोग, मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. इधर देखो बेटा, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, एग्जांपल मैं ब्लू कलर से लिखता हूं. इनसाइटो है, इनसाइटो ने, देखो वहां पे ले लेता हूं, ब्लैंक पेज पे ठीक रहेगा. देखो बेटा, इनसाइटो अकेडमी, इनसाइटो एंड इनसाइटो ने बीबी सर को 16 जुलाई 2017 को 2 लाख रुपए का पेमेंट किया, 2 लाख रुपया पे किया विदाउट टीडीएस. टीडीएस काटे बिना, टीडीएस काटा नहीं और टीडीएस काटे बिना 2 लाख रुपए का पेमेंट किया. किसको पेमेंट किया, बीबी सर को. तो इनसाइटो एकेडमी ने बीबी सर को पेमेंट किया कितने का, 2 लाख रुपया. टीडीएस काटा ही नहीं, टीडीएस कितना काटना चाहिए था मैं बताऊं, 10% टीडीएस काटना पड़े चाहिए था, 20,000 का टीडीएस काटना चाहिए था, बट टीडीएस नहीं काटा. अब हुआ क्या, इस दिन टीडीएस नहीं काटा, अगली बार क्या हुआ कि सपोज 19 दिसंबर 2017 को बीबी सर को वापस 1 लाख का पेमेंट किया और यहां पे पूरा टीडीएस काट दिया. टीडीएस काटा, टीडीएस है वो, टीडीएस यहां पे डिडक्ट किया. कब डिडक्ट किया, 19 दिसंबर 2017 को. और मैं बता दूं, 19 दिसंबर 2017 को 1 लाख का पेमेंट किया और उस पे पूरा टीडीएस काटा, कितना पता है, 30,000 का टीडीएस इस दिन काट दिया 19 दिसंबर 2017 को. 30,000 का कैसे, 2 लाख पहले वाला और 1 लाख अब वाला, उस दोनों पे 3 लाख पे 10%, 30,000 टीडीएस काटा. अब एक बात बताओ, उसको जमा कब करवाना है, दिसंबर में काटा है तो 7 जनवरी को जमा करवाना है, बट आपने जमा कब करवाया पता है,
पूरे 30,000 को डिपॉजिट करवाया, वो डिपॉजिट मान लो आपने 14 मार्च 2018 को करवाया। अब समझना आप लोग, सर इंटरेस्ट कैसे लगेगा? तो मैं आपको बता दूं यहां पे आपका इंटरेस्ट कैसे लगेगा, इंटरेस्ट आपको कौन सी सेक्शन में लगेगा, तो मैं बता दूं यहां पे इंटरेस्ट सेक्शन 2011A में लगेगा, और सेक्शन 2011A है वो ये बोलती है कि यहां पे इंटरेस्ट कैसे लगेगा। सबसे पहले जो लेट डिडक्शन किया उसका इंटरेस्ट, तो एक बात बताओ यहां पे 2 लाख का पेमेंट है, ये 16 जुलाई 2017 को किया था, इस पे इसी दिन टीडीएस काटना था, आपने डिडक्ट कब किया 19/12/2017, तो इस पे जो टीडीएस नहीं काटा उस पे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो कैसे लगेगा, तो आई कैन टेक वन एग्जाम्पल, इधर देखो बेटा यहां पे आपने 20,000 का टीडीएस लेट काटा, इस पे 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट, लेकिन कब से कब तक लगेगा पता है? जिस दिन काटना चाहिए था उस दिन से लेके जिस दिन काटा, एक बात बताओ काटना कौन सी डेट को चाहिए था, 16 जुलाई 2017 को, तो मैं बोलू 16 जुलाई 2017 से लेके जिस दिन काटा, कौन सी डेट को काटा, 19 दिसंबर 2017, तो बेटा 19 दिसंबर 2017 को काटा तो कितने महीने हुए। अब एक बात समझना, यहां मंथ कैसे गिनोगे, ऐसा नहीं गिनोगे जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसा नहीं, देखो बेटा हमेशा इनकम टैक्स में मंथ का मतलब क्या होता है पता है, कहीं पे भी ऐसा कैलेंडर मंथ नहीं दे रखा, यहां मंथ का मतलब होगा कि 16 जुलाई से लेके 15 अगस्त ये एक महीना होगा, 16 जुलाई से लेके 15 अगस्त है ये एक महीना, 16 अगस्त से लेके 15 सितंबर ये दो महीना, 16 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर ये तीन महीना, ऐसे मंथ काउंट होता है ठीक है। अब एक बात समझना, तो आपके मंथ कितने होंगे, तो मैं बताऊं आपको, आप बोलोगे हमारे ऑफिस में तो सर ऐसा करते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसा नहीं है यहां पे बेटा, आपको ऑफिस में आप बोलोगे नोटिस भी आया आए, बट लॉ में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, मंथ का मतलब कैलेंडर मंथ, कैलेंडर मंथ नहीं होता। यहां मंथ कैसे गिनेंगे, तो देखो 16 जुलाई से मैं बोलू 15 अगस्त एक महीना, 15 सितंबर दो महीना, 15 अक्टूबर तीन महीना, 15 नवंबर चार महीना, 15 दिसंबर पांच महीना, लेकिन दिसंबर 19 तक है तो पार्ट ऑफ द मंथ है तो कितने 6 महीने हुए, तो यहां पे बेटा 6 महीने का इंटरेस्ट है, वो 6 महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो 6 महीने का इंटरेस्ट आपका कितना आता है यहां पे, तो मैं बता दूं आपका 6 महीने का इंटरेस्ट यहां पे आया 20,000 का 1% मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, इट्स कम्स टू 1200 रुपया। और एक बात बताओ लेट जमा करवाया, देखो बेटा जब 19/12 को काट दिया था तो आपको जमा कब करवाना चाहिए था, 7 जनवरी को, आपने करवाया 14 मार्च को, तो यहां पे इंटरेस्ट कैसे लगेगा पता है, आपने 30,000 का टीडीएस लेट जमा करवाया मल्टीप्लाई बाय 1.5% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का, तो मैं बोलू आपको कौन सी डेट को काटा था, 19 दिसंबर 2017 को काटा था, 19 दिसंबर 2017 को टीडीएस काटा था, और कहां से कहां तक आपको इंटरेस्ट लगेगा, जब डिपॉजिट करवाया, डिपॉजिट कौन सी डेट को करवाया, 14 मार्च 2018 तक। तो एक बात बताओ यहां पे 19 दिसंबर 2017 से लेके 14 मार्च 2018 एक बार समझो, ऐसा नहीं कि 19 दिसंबर को काटा तो 7 जनवरी को जमा करवाना तो इंटरेस्ट 8 जनवरी से लगेगा, ऐसा नहीं, आपको इंटरेस्ट जिस दिन काटा उसी दिन से लग जाएगा। तो 19 दिसंबर 2017 से लेके 14 मार्च 2018 तक, तो 19 दिसंबर से तुम्हारा कितना, मैं बोलू 18 जनवरी एक महीना, 18 फेब दो महीना, और 18 मार्च तीन महीना, तीन महीने का आपको इंटरेस्ट यहां पे लग जाएगा। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5% मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ इज कम टू 1350 है इंटरेस्ट लग जाएगा। इसके बाद में लास्ट एक पार्ट मैंने आपको दे रखा है, दैट इज द टीसीएस वाले पेज पे आपको दे रखा है, दैट इज 234E, दैट इज रिलेटेड टू फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग टीडीएस टीसीएस रिटर्न। अगर टीडीएस टीसीएस रिटर्न आप लेट फाइल करोगे तो हर दिन का 200-200 रुपए का आपको फीस है वो लग जाएगा ठीक है। चलो 2 मिनट आप शॉर्ट ब्रेक ले लो, ये चाहिए तो ये कॉपी मार दो 2-3 मिनट में, उसके बाद मैं आपको टीसीएस पढ़ाता हूं और टीसीएस आपका 10-15 मिनट में टीसीएस हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट करके ठीक है। चलो देख लो एक बार,
Done people? All people done? अरे बोलो समझा तुम लोगों को? चलो हो गया तुम लोगों का? चलो सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द TCS. एक बात बताओ ये TCS क्या होता है? आप लोग छोटे थे तो TDS तो आप कब से पढ़ रहे हो, IPCC से. सर TCS क्या होता है? और एक बात समझना, TCS से आपको क्वेश्चन मिल सकता है. TCS क्या होता है? बेसिकली TCS सेल और परचेज पे लगता है. जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल, TDS क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. टैक्स काट देते हो, डिडक्ट करते हो. TCS क्या होता है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. मतलब आगे वाला जो पर्सन है ना, वो आपसे जो कलेक्ट कर रहा है वो आपका टैक्स कलेक्ट करता है. मतलब आपसे पैसा तो लेगा लेगा, आपका टैक्स भी लेगा. जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल. अब एक बात समझना, होता क्या है, जैसे TCS किसी किसी पेमेंट में लगता है. अब कौन कौन सी पेमेंट में लगता है वो अपन सीखेंगे. जैसे मान लो बीबी सर है, मैं गाड़ी खरीदने गया किसके पास में, साई ऑटो यहां पे करके है, और साई ऑटो के पास में मैं एक गाड़ी खरीदने गया, और गाड़ी खरीदने के लिए मैंने इनको पेमेंट किया 20 लाख का. अब एक बात समझना, ये लोग 20 लाख तो मेरे से लेंगे लेंगे, इसमें मेरे से ये लोग मेरा 1% TCS और लेंगे. मतलब 20 लाख में बेटा, 20 लाख का यहां पे 1% कम्स टू 20,000, तो ये क्या करेंगे, 20 लाख और 20,000 मेरा TCS कलेक्ट करेंगे. तो टोटल 20 लाख 20,000 ये मेरे से लेंगे. 20 लाख है ये, 20,000 है ये मेरे से लेंगे साई ऑटो वाले. तो साई ऑटो वाले मेरे से 20 लाख तो लेंगे ही लेंगे, साथ में 20,000 रुपया है वो और लेंगे. तो 20 लाख 20,000 है वो कौन लेंगे, साई ऑटो वाले. तो साई ऑटो वाले विल कलेक्ट 20 लाख 20,000 फ्रॉम मी. मेरे से 20 लाख 20,000 है वो साई ऑटो वाले कलेक्ट करेंगे. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड TCS. मतलब देखो एक बात समझना, यहां पे टैक्स कलेक्ट कलेक्शन मतलब उसमें क्या होता है, सेलिंग एंड बाइंग के केस में ये लगता है करके नॉर्मली करके, ठीक है. तो देखो बेटा आगे कहां कहां पे क्या कहां कहां TCS लगता है. तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 206C करके है, दैट इज सेलर शेल कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बायर. देखो सेलर गाड़ी वाला मेरे से ले रहा है बायर से टैक्स, एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अकाउंट और रिसिप्ट ऑफ अमाउंट विच एवर इज अर्लियर. मतलब डेबिटिंग द अमाउंट और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर है तब TCS लेंगे. और TCS हर पेमेंट पे नहीं लगता है, हर सेलिंग पे नहीं लगता है. देर आर स्पेसिफिक केसेस वहां TCS लगता है. एक तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बेवड़े लोगों के पीने का दारू जो अल्कोहलिक लीकर होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वहां TCS लगता है. जैसे मान लो मेरी एक दुकान है बीबी वाइंस करके, और बीबी वाइंस ने क्या किया, बीबी वाइंस दुकान है और हमने क्या किया, किंग फिशर से दारू खरीदी. तो हम उसको पेमेंट तो करेंगे करेंगे, हमारा TCS भी उनको देंगे किनको, किंग फिशर वालों को करके, ठीक है. दूसरा ये टेंडर लीव्स नहीं है, इट्स तेंदू लीव्स. मेक इट तेंदू लीव्स. तेंदू तेंदू पत्ता होता है ना, तेंदू पत्ता, दैट इज तेंदू लीव्स. तेंदू लीव्स जो तेंदू लीव्स होती है उस पर TCS 5%. तो देखो बेटा एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में 1%, तेंदू लीव्स पे 5%. टिम्बर एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो टिम्बर है और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उस पर 2.5%. स्क्रैप पे कितना है, 1%. मिनरल्स बींग जो कोल लिग्नाइट और आयरन ओर है उस पर 1%, और मोटर व्हीकल है मोटर व्हीकल पे 1%. इसमें पता है लास्ट ईयर तक वो ज्वेलरी बुलियन भी हुआ करता था, एनी अदर गुड्स और वो सब हटा दिया है, वो अभी नहीं है करके, ठीक है. लास्ट ईयर जो बाकी चीजें थी वो सब इसमें नहीं है. आज की डेट में क्या क्या है, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तुम्हारा, तेंदू लीव्स है, टिम्बर है और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्क्रैप, मिनरल बींग कोल लिग्नाइट एंड आयरन ओर है, और मिनरल और मोटर व्हीकल है, इस पे लगता है. अब एक बात समझना, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कितना लगता है, 1%. एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है उस पे कितना है, 1%. उसके बाद जो टिम्बर वगैरह जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, सॉरी एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे 1%, तेंदू लीव्स पे कितना है 5%, टिम्बर वगैरह फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे कितना है 2.5%, और बाकी जो स्क्रैप है मिनरल में कौन कौन सा, कोल लिग्नाइट और आयरन ओर है उस पे कितना 1%, मोटर व्हीकल पे कितना 1%. अब एक बात समझना, TCS इन केस ऑफ मोटर व्हीकल इज एप्लीकेबल ओनली इफ द कंसिडरेशन इज मोर देन 10 लाख. देखो मोटर व्हीकल के केस में TCS तभी लगेगा जब कंसिडरेशन 10 लाख से ज्यादा है. मतलब 10 लाख से ज्यादा है, मतलब एक कार मैंने खरीदी और कार का 12 लाख दिया, TCS लगेगा, यस. 9 लाख दिया, TCS लगेगा, नहीं. मतलब 10 लाख से ज्यादा कंसिडरेशन है मोटर व्हीकल के केस में तो ही TCS लगेगा. TCS नॉट एप्लीकेबल इफ बायर इज गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट का TCS कलेक्ट करेंगे क्या, बायर इज गवर्नमेंट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, हाई कमीशन, इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर सेक्शन इनकम, दैट इज नेशन, यूनाइटेड नेशन 1947 में जो इंस्टीट्यूशन वगैरह होती है, तो उन पे TCS नहीं लगेगा. TCS also apply in case of the lease and license. एक बात समझना, lease and license of parking lot,
टोल प्लाजा एंड माइंस एंड क्वेरी के केस में जो भी अगर पार्किंग लॉट वगैरह है उसका जो लीज पे अगर आप लेते हो तो वहां पे भी टीसीएस लगेगा, टीसीएस की रेट रहेगी 2%। तो देखो ऊपर जो यहां तो लगेगा एल्कोहलिक तेंदू लीव्स टिम्बर स्क्रैप मिनरल और मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल में तभी लगेगा जब 10 लाख से ज्यादा का कंसिडरेशन है। लेकिन अगर आप पार्किंग लॉट वगैरह लीज पे लेते हो, जैसे आपको पता रहेगा मॉल किसी बिल्डर का रहता है, जैसे मुंबई में एक इन ऑर्बिट मॉल है, अब इन ऑर्बिट मॉल है और एक बात बता दो इन ऑर्बिट मॉल है लेकिन उसका पार्किंग किसी और के पास है, वो पार्किंग वाला है, वो पार्किंग वाला इन ऑर्बिट मॉल को फिक्स है कि महीने का 3 लाख रुपया देता है और लोगों से 20-20 रुपया कलेक्ट करता है, पार्किंग का 20 रुपया 50 रुपया गाड़ी का ऐसा वो कलेक्ट करता है। तो एक बात समझना, वो 2 लाख रुपया जो दे रहा है किसको दे रहा है, 2 लाख रुपया जो इन ऑर्बिट मॉल वाले को दे रहा है। अब इन ऑर्बिट वाले को जो मॉल वाले को दे रहा है दैट इज कॉल्ड पार्किंग लॉट, उसने लीज पे लिया है और उसका 2 लाख लीज दे रहा है, तो वो 2 लाख के साथ साथ में अपना 2% टीसीएस भी देगा, टीसीएस भी देगा, मतलब जो इन ऑर्बिट मॉल वाले है जिसको पार्किंग लॉट लीज पे दिया है उससे टीसीएस भी कलेक्ट करेंगे। TCS इन केस ऑफ गुड्स प्रिस्क्राइब्ड इन A to E मतलब जो ऊपर वाले A to E वाले ये गुड्स है ना, ये वाले हाँ, मोटर व्हीकल नहीं, नॉट एप्लीकेबल इफ गुड्स परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। एक बात बताओ, आपने अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आपने दारू पीने के लिए खरीदी है, तो वहां TCS नहीं लगेगा, लेकिन मोटर व्हीकल पर्सनल पर्पज के लिए खरीदा तो TCS लगेगा, लेकिन दारू पीने के लिए खरीदी तो TCS नहीं लगेगा। मतलब भैया ये जो A to E वाले मामला है, इस A to E वाले में TCS नहीं लगेगा अगर ये जो गुड्स है वो आपने पर्सनल पर्पज के लिए खरीदे है तो। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो यस और नो। यस, उसके बाद में TCS not applicable if buyer is resident and furnish a declaration that such goods used in the manufacture of any article or power generation. अगर buyer है वो resident है और वो ये बोलता है, मतलब एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाली चीजें थी मैंने बोला A to E अगर आपने personal purpose के लिए खरीदा तो नहीं लगेगा, जैसे आपने मान लो कोल खरीदा, कोल वगैरह लिग्नाइट वगैरह खरीदा पर्सनल पर्पज के लिए तो टीसीएस नहीं लगेगा, तेंदू लीव्स पर्सनल पर्पज के लिए खरीदा तो, लेकिन बिजनेस पर्पज के लिए खरीदा तो टीसीएस लगेगा। लेकिन एक बात समझना, अगर आप कोई भी गुड्स खरीदते हो और आप रेजिडेंट हो और आप ये डिक्लेरेशन देते हो कि ये गुड्स मैं कोई दूसरा गुड्स मैन्युफैक्चर करने में यूज करने वाला हूं, ये जो गुड्स है मैं दूसरा गुड्स मैन्युफैक्चर करने में यूज करने वाला हूं करके या पावर जनरेशन में इसको यूज करने वाला हूं, तो वहां पे बेटा टीसीएस है वो नहीं लगेगा। मतलब इफ यू आर गोइंग टू यूज दैट गुड्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी गुड्स और पावर जनरेशन देन वहां पे टीसीएस नहीं लगेगा। अब एक बात समझना, इसके बाद एक सर्क्यूलर है, ये सर्क्यूलर आप लोगों को सीबीडीटी का सर्क्यूलर है, इसमें यही पूछा है कि अगर मान लो आप जब कार खरीदने जाओगे तो टीसीएस लगेगा, लेकिन एक पता है होलसेलर कंपनी से कार खरीदता है, जैसे बीएमडब्ल्यू कंपनी है उससे जो कार है वो एक बीएमडब्ल्यू वाला होलसेलर खरीदता है फिर आप कस्टमर को बेचता है, कस्टमर जब जाएगा तो टीसीएस लगेगा क्या होलसेल में लगेगा? आंसर इज नो। टीसीएस यहां पर कार के केस में सिर्फ रिटेल सेल में लगेगा, ओनली रिटेल सेल में लगेगा। अब एक बात समझना, ये क्या बोला, वेदर टीसीएस एप्लीकेबल इन केस ऑफ ईच सेल ऑफ मोटर व्हीकल और एग्रीगेट वैल्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जैसे मैंने आज एक कार 8 लाख की खरीदी साई ऑटो से, मैंने 15 दिन बाद वापस एक 8 लाख की कार खरीदी, क्या टीसीएस लगेगा? नहीं। ये ईच सेल पे, अगर ईच सेल है वो 10 लाख से ज्यादा का है तो टीसीएस लगेगा। तो देखो टीसीएस एप्लीकेबल इफ सेल कंसिडरेशन इज मोर देन 10 लाख एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन ईच सेल एंड नॉट एग्रीगेट वैल्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसके बाद अब एक बात समझना, How would be the provision of TCS shall motor vehicle be applicable in case of where part of the payment is made in cash and part of payment in check? अगर part cash में दिया part check, अरे क्या फर्क पड़ता है, 10 से ज्यादा है ना। देखो provision of TCS on sale of motor vehicle is exceeding 10 lakh is not depends on mode of payment. Any mode से करो बेटा आपको 1% TCS लगेगा motor vehicle में। Last year तक वो साफ था, पता है वो ज्वेलरी और बुलियन में वो सब कैश वाला और वो सब वो अब हटा दिया, अब नहीं है, ठीक है। अब एक बात समझना, whether TCS 1% of sale of motor vehicle is applicable in case of an individual. तो देखो seller का definition दे रखा है, for the explanation below subsection 11 subsection 11 section 206C shall be applicable in case of sale of motor vehicle also. Accordingly an individual who is liable to audit as per the provision of section 44AB during the financial year, मतलब last year में audit हुआ था, जैसे seller है वो seller का last year में audit हुआ था, अगर individual है और individual seller उसका last year में audit हुआ तो उसको आगे वाले से TCS है वो collect करना पड़ेगा। Whether 1% on sale of motor vehicle is applicable only for luxury car? It's not like only for luxury car. सब पे लगेगा जिसकी 10 लाख से ज्यादा की वैल्यू है। You got my point or not? Yes. चलो, so this is the completion of your topic TCS on TDS. आपको एक बार घर पे जाके इसको पूरे को अच्छे से रिवाइज करना है और उसके बाद में रिवाइज करने के बाद में इसको पूरे को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद जितने भी आपके कंपाइलर में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो क्वेश्चंस आपको सब देखने हैं। यू गॉट मी और यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो डन पीपल, चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, नाइस टू सी यू।
अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं, और अगला लेक्चर अभी आपका ज्यादा लेक्चर बचे नहीं है, सो डोंट मिस योर एनी लेक्चर करके, ठीक है? और जितना बोला है वो पढ़ के आना. थैंक्स अ लॉट पीपल.